हमारा तो गांव कनेक्शन बहुत ज़्यादा है हाँ। तो एक बस चलेगी प्राइवेट बस, पिताजी उसमें 2-3 लीटर का डब्बा रखेंगे, लैंडलाइन पे बात करके सेम टाइम पे मैच करके हम पहुँचेंगे, ड्राइवर से वो दूध लेंगे। कितनी बार बस वो छूट जाती थी, कभी दिन निकल जाता था इसी करने, स्कूल छूट जाता था लगता था खरीद के चाय बना लेते ना क्या कर रहे हैं इसके लिए। मेरा है 100 में से 1 नंबर इंग्लिश में, पता नहीं किस चीज में आया एक भी। अब घर गए, मम्मी ने कहा कि तो 1 नंबर कैसे आ सकता है, मैंने कहा मुझे ये नहीं पता एक आया कैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था उस वो टाइम था मेरी लाइफ जब मुझे लगा कि यार मैं हो गया हूँ फेल। अच्छा, अब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन। तो फिर मैं बहुत लो में रहा उस टाइम पे। नींद बहुत प्रेशियस हो गई। प्रेशियस तो हो गई हाँ सर, पर मुझे लगता वही बात है ना सारी कि 27 साल तो जीवन के सोया ही था ना मैं कुछ कर थोड़ी रहते हम किसी भी टाइम सो जाते थे, किसी भी टाइम उठ जाते थे और भगवान ने कहा अब लो अब लो और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना काम करने वाला आदमी, जो आदमी काम नहीं करता वो सो के थक जा रहा है उठ के दुनिया को ब्लेम कर रहा है कि यार ये क्या यार गद्दा ठीक नहीं है। अरे तू उठा नहीं 8 घंटे से, गद्दा ठीक है वो तो ऐसी हरकतें मैंने की हैं। उसके बाद अगर मैं ये टुच्ची शिकायतें करूं कि मुझे नींद नहीं मिल रही है तो मुझे चाटा लगना चाहिए मेरे मुंह पे लगता तो है कि हाँ यार ये खत्म हो जाएगा या फिर जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब तो गुमनाम नहीं होऊंगा, रहूंगा तो यहीं, बस कितना नाम होगा और कितना नाम नहीं होगा वो वाली बात है। और ये इतना करके ये भी पता चल गया कि कितना भी कर लो कम है, इस पर एक लिमिट तो होनी ही चाहिए कि तुम मुझे सोचते रहो कि नहीं अभी तो मुझे ट्रेवर नोआ से भी ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड मुझे नहीं बनना, किसी से बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनना मुझे, मुझे जितना मैं हूँ उतना ही बड़ा उससे भी, मतलब मुझे बस अपना काम करते रहना है, वो कितना भी स्केल तक मुझे ले जाए, कितना भी स्केल से मुझे वापस ले आए, मुझे वहीं रहना है। थैंक यू फॉर हैविंग यही बनना मुझे देखा पूरे इलाके में इतने लोग ने मुझे इतना हाथ दिला दिया आपके हाथ से। लाइट तो आई नहीं आज। हाँ अच्छा है, बट वो फ्लैट है ना अच्छी लाइट है। हाँ मतलब वो चेंज करने का सीन कम हो जाएगा। ये जो जानकार गेस्ट आते हैं ना जो लाइट कैमरा इनसे बड़ा परेशान हो गया मैं यार लगे भाई ये कौन कैमरा ये मैं कह रहा मैं ही यार सबसे अनपढ़ दिख रहा हूँ मैंने वैदेही से कहा कि वो आ रहे हैं, बस्सी अंकल आ रहे हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ऐसा करो तुम भी कुछ सोच लो, उनको सुनाना तुम। वो कुछ तो उसने बच्चों की कहानी सुनाई थी ना। हाँ मैंने सुना था उसका, ऑडिबल पे 15 एपिसोड का पॉडकास्ट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ और पैसे दिए। अच्छा पैसे दिए बाकायदा, फोटो खिंचाई, वेरी डिलाइटेड है वो। और कहाँ है वो पैसे, उसका अकाउंट बनाया लगता है? उसका अकाउंट है। अरे यार बहुत बढ़िया। तो अब उसके बहुत फैन है और उसको थोड़ा इससे मतलब बचाना भी है कि होता ना जो चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस दिन ये मेरे भाई की वाइफ अदिति नोएडा में है, तो ये लोग दिल्ली के शो में आए, तो लाइन में लगे थे वो लोग एंट्रेंस के, तो किसी ने पहचाना तो अरे अदिति से कहा कि मेहते का पिक्चर बताओ, तो अदिति बता रही ये कह रही बहुत एफर्टलेसली चाची कैन यू होल्ड माय बैग मैं कहाँ भाई इसीलिए तो आए हूँ। और फिर फोटो कराए नहीं हाँ, और फिर ऐसे कोने में कह रही फैंस चाइल्ड आर्टिस्ट में ना कुछ तो बात होती है जो बहुत ही अलग है, जो देख के लगता है हाँ ये सीख लेता है इनसे। मैंने उसके साथ काम किया ना इनायत के साथ मूवी में जो बच्ची क्या ब्रिलियंट माइंड है वो
कितने दिन हो गए खाट पे बैठे हुए हुए हुए। आप ऐसे पूरे टाइम स्माइल करते रहते हो ऐसे ही? बढ़िया। ऑडियो मिल रहे हैं? बच्चे भी यहीं से जाएंगे। अच्छा छुट्टी होने वाली होगी इनकी। हाँ हाँ, तो सो जाओ यार, दो घंटे सो जाते हैं। कैसा है जीवन? आप भी तो रफ्तार पकड़ रखी है जीवन ने सर, पता नहीं कहाँ। ऐसा सच कुछ वो भी नहीं है कि कोई टारगेट पूरा करना है लाइफ में, खाली भी नहीं बैठा जाता। 7-8 दिन हो गए शायद सोए हुए। मैं रोड पे ही हूँ, या तो फ्लाइट में हूँ या रोड पे हूँ। जब ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, तो ये रोना है हमारा कि नींद नहीं आ रही, और जब घर बैठते तो ये रोना है कि काम क्यों नहीं हमारे पास। तो पता नहीं, हमारी जनरेशन अजीब हो गई है थोड़ी सी, घर में बैठ के सुकून नहीं मिलता। घर में लगता तो ऐसा लगता है कि जुनून हो जाएगा, कुछ कर देंगे, कुछ करके दिखा देंगे, इतना काम कर देंगे, फिर काम करते करते लगता है थोड़ा सुकून मिल जाए। अटके हुए हैं बीच में, पता नहीं है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि मुझे इतना कुछ करके लाइफ में यहाँ जाके ये 4 प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, कुछ नहीं है। पैसा इन्वेस्ट करने की एक पैसे की तमीज़ नहीं है, पता नहीं है कहाँ होता है क्या करना है। पर बस कर रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, पता नहीं, बस भाग रहे हैं, शायद खुद से ही भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। कहाँ क्या करेंगे पता नहीं। स्लो होना चाहते हैं? होना तो चाहता हूँ सर मैं। शायद 2 साल बाद ठंडे पानी से ना आया हूँ आज। अभी बस मैं गया, मुझसे आपके समझ नहीं आया किधर से किधर को होगा। पर ये होटल में होता तो मैं बाहर आ जाता और मैं फ़ोन करता कि उसे ठीक करो, मुझे गर्म पानी चाहिए। मुझे यहाँ लगा मैं नहा लेते ना, क्या हो गया। गाँव में ऐसी तो नहाते थे, क्या फर्क, गाँव में कोई गीज़र कौन सा था, तो फ़र्क ही नहीं पड़ा कुछ। और मैं उबलते पानी से नहाता हूँ बिल्कुल, पर अभी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं नहा के अपना आ गया बढ़िया, और ठंडे पानी से नहा के लगाए कि आँख सी खुल जाती है। एक तो इतने दिन बाद गिरा है ना, लगा बारिश वारिश में। तो है, मन है स्लो होने का काफ़ी, कि थोड़ा सुकून मिल जाए। पर फिर वो भी लगता है कि यही टाइम है, जितना ज़्यादा आप अभी इसको इस टाइम पे जितना ज़्यादा खेल सकते हो उतना खेल लो। बिकॉज आर्टिस्ट का ये नहीं पता ना कितना दिन चलेगा, क्या होगा। आर्टिस्ट की एक मियाद होती है भाई, मियाद है, तो अब उस कितने दिन में पूरी हो जाए तो पता नहीं। तो अब ये है कि जितने दिन चल रही है उतने दिन कर लेते हैं, जब ख़त्म हो जाएगी फिर तो स्लो हो ही जाओगे ऑटोमेटिकली, तो जब कुछ करने को नहीं होगा तो वो वाली चीज़ है। कहाँ से शुरू हुई है कहानी, जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ सर मेरठ में हुआ। और शहर में? जन्म शहर में हुआ, एक अस्पताल में, वापस गांव चले गए। अच्छा, घर गांव में? घर गांव में है। मेरठ से आगे एक जगह है परीक्षितगढ़, किला परीक्षितगढ़, उसमें गांव, वहां पे उसके साइड में गांव है बेलुलपुर, तो वो गांव है, वापस वहीं जाके बस गए। हस्तनापुर से पहले पड़ता है, मेरठ और हस्तनापुर के बीच में, तो वहीं रहे, वहीं से शुरू हुआ। फिर एक साल के लिए मेरठ भेज दिया गया शहर में, मेरठ पब्लिक स्कूल में भेज दिया गया कि वहाँ पे पढ़ लो। तो ज़्यादा दिन नहीं रहा मैं वापस, फिर एक साल बाद ही वापस चला गया गांव। तो हमारे गांव उस टाइम से पहले क्या था, दोनों दीदी को पापा ने बाहर भेज दिया था, बड़ी सिस्टर है मेरी दो, तो उनको कितना गैप है? बड़ी सिस्टर 6 साल बड़ी हैं उनसे, छोटी वाली 4 साल बड़ी है। तो इन्होंने फिर दोनों बहनों को भेजा बाहर पहले कि पढ़ो। और पिताजी और माताजी का दोनों का ये बहुत क्लियर सीन था कि बच्चे गांव से बाहर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ नहीं रहेगा कोई भी, पढ़ाई करो और जाओ। तो उन्होंने कभी ऐसा जो ये भी नहीं बोला कि ये पढ़ाई करो, क्लास में इतने नंबर लाओ, ये करो वो करो। उनका था कि बस वापस नहीं आना, यहाँ से निकलना है, यहाँ कुछ नहीं है। हम अपने माँ बाप के साथ रहे नहीं है। अच्छा, इसी पढ़ाई के चक्कर में कि अब गांव से बाहर निकलना है, इस चक्कर में हमारे माँ बाप के साथ हमें रहने का कभी टाइम मिला नहीं है एज सच। क्योंकि अब जब शहर में रखना है बच्चे को तो वो तो रह नहीं सकते, उन्हें तो गांव में रहना पड़ेगा। तो पहले जो एक साल में रहा मेरी मासी
मेरिट में थी उनसे एक साल के लिए, तो उनके पास हम रहे, उनके बच्चों के साथ वहीं से सब लोग जाते थे। फिर मैं वापस चला गया, फिर हमारी एक चाची रहती थी मेरिट में, उनके बच्चे भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ा रहे थे उन दोनों को, तो फिर चाची के साथ दोनों बहनें रहने लगी। तो फिर उसके बाद जब फिफ्थ के बाद मैं भी मेरिट आ गया। अच्छा। फिर पापा मम्मी ने डिसाइड किया कि आप, मतलब मम्मी शहर में जाएंगी, पापा गाँव में अकेले रहेंगे। तो फिर मम्मी, मैं और दोनों दीदी, मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है कि कितना टाइम हम रहे, तो वो हमने फिर रेंट पे घर लेके हम सब रहना शुरू किया। तो पापा वीकली एक दो बार आते थे, मिल के चले जाते थे। तो लेकिन एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट थी उनके लिए भी? पापा मम्मी के लिए थी, पापा मम्मी दोनों पढ़े लिखे। उनके कुछ सर्कमस्टेंसेस थे जिनके बारे में उन्होंने कभी इतना ओपनली बात नहीं की हमसे। अच्छा। हमने भी कभी वो टॉपिक छेड़ा नहीं कि पता नहीं ट्रिगर ना हो जाए कुछ। ओके। तो कि वो क्यों गाँव वापस आए? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि उनकी शादी 21 साल में शायद शादी होगी उन लोगों की, और पापा मेरे अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी से लॉ किया था पापा ने। ओके। प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने कभी, क्यों नहीं की हमने पूछा नहीं, क्यों पूछना है पापा से? बताना होगा कुछ बता देंगे जो बताना होगा। वो पढ़े भी बहुत अच्छे से, वो बिरला से पढ़े हुए हैं, बिरला नैनीताल से। अच्छा। तो दादा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन की। दादा वॉज इन पुलिस। ओके ओके। तो वो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फिर पापा को पढ़ाया बिरला में, और जो सेंट जोसेफ्स में था, बिरला में सामने दिखता था पहाड़ के। तो वही अब आप देख लो, उस लेवल पे पढ़ने के बाद आदमी वापस जाएगा तो फिर कुछ तो राइट जो भी था। तो उनके लिए एजुकेशन बहुत थी, तो वो आते थे फिर पापा हफ्ते में। फिर बड़ी वाली दीदी कॉलेज चली गई, फिर छोटी वाली दीदी कॉलेज चली गई, फिर मैं और मम्मी रह गए। फिर ज़्यादातर टाइम, मतलब ये हमने डिसाइड किया कि मैं, आप ही वापस चले जाओ, मैं अकेला रह लूँगा, इतना कोई लोड नहीं है। फिर उनका थोड़ा टाइम बढ़ गया, मैं 3-4 दिन मैं अकेला रहता था, फिर मम्मी आ जाती, 2 दिन मम्मी आ जाती थी, बीच में खाना वाने का कर लेते थे। तो हमारा तो गांव कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। शहर में रह रहे के हम तो, मतलब हमारा ऐसा था कि शहर में रहेंगे लेकिन हमारा रोज़ सुबह दूध भी गांव से आएगा। तो एक बस चलेगी, प्राइवेट बस, पिताजी उसमें 2-3 लीटर का डब्बा रखेंगे, वो दूध जेल चुंगी पे आएगा, बस आएगी वहाँ पे रुकती थी, सेम टाइम पे मैच करके, लैंडलाइन पे बात करके सेम टाइम पे मैच करके हम पहुँचेंगे, ड्राइवर से वो दूध लेंगे। कितनी बार बस वो छूट जाती थी, फिर हम बस के पीछे पीछे जाते थे। अच्छा। मवाना बस अड्डा जब तक हम पहुँचते थे रिक्शे से, वो वापस निकल जाती थी। तो हमारा दूध वापस पापा के पास पहुँच जाता था जहाँ से उन्होंने भेजना शुरू, तो फिर सेकंड टाइम वापस आते थे पापा एक बार और। तो कभी दिन निकल जाता था इसी करने, स्कूल छूट जाता था। लगता था खरीद के चाय बना लेते ना। क्या कर रहे इसके पीछे। तो ये सब हमारा चलता ही रहता था। अच्छी इंटरेस्टिंग लाइफ थी, बट हम बस, हम कभी साथ में नहीं रहे हम एज अ फैमिली, हम मुश्किल से कभी साथ में रहे सब लोग एक साथ। तो हम अभी भी ओकेजन्स पे मिलते हैं कि मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कुछ नहीं है। और अब बहुत अच्छा टाइम होता है वो जब हम मिलते हैं, क्योंकि अब सबके फिल्टर ख़त्म हो चुके हैं लाइफ के, किसी को पापा मम्मी की एज हो गई है, हम एज तो हमारी भी हो ही गई है। तो बस अब कोई किसी को कुछ कहता नहीं, कुछ नहीं, बस प्यार सब रहते हैं, अपना मस्त चलता रहता है ऐसा ही। तो मेरा तो वही वाला सीन है ज़्यादातर, तो कि मैं तो जब भी ये शो देखता था तो मुझे तो यही लगता था कि वहाँ बैठ के मैं कुछ बातें कर सकूँगा क्या। बट इतना डिफरेंस होता है कि आप अपने घर में नहीं कर पाते हो कुछ भी। मैं जाता भी हूँ तो मेरा कुछ ऐसा है कि मेरा होता है कि मैं वापस चलता हूँ, 1-2 दिन में ही मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ। कुछ अर्लीस्ट मेमोरीज क्या हैं? अर्लीस्ट मेमोरीज हैं सर, बचपन तो देखो सर खराब ही था, तभी थेरेपी में आया हम अभी। अब क्या है ना कि माँ बाप ने अपनी जान लगा दी हमको पढ़ाने में, पर उस चक्कर में कितनी चीज़ें हमसे, हमारे साथ क्या हो गई वो हमें समझ ही नहीं आया उस टाइम पे। मैं मतलब एक डर बैठ गया माँ बाप से मिलने का, भी एक डर बैठ गया कि इनसे मिलना है। जैसे हम जब मैं मासी वाले उसमें रहता था, बहुत छोटा था मैं, कुछ UKG था या UKG टाइप ही होगा, क्योंकि मैंने वहाँ भी शायद पूरी क्लास करी नहीं थी, मुझे याद नहीं है वो ढंग से। मैं अपने शो में करता हूँ बात, स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, शायद याद करना ही नहीं चाहता मैं कि क्या था वो। तो उस टाइम पे अब क्या है, वो बीच में पिछले मतलब कुछ टाइम तक तो 3-4 साल पहले तक तो ऐसा था कि वो सब चीज़ें ऐसी लगती थी कि बट पिछले 1-2 साल में थेरेपी वेरेपी लेके वो चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई है दिमाग में, तो अब वो फन हो गया मेरे लिए। तो अब मेरा शो का ना वो भी चेंज हो गया है,
क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो अंग्रेजी, हाँ सुर बोल रहे, हिंदी में सुर बोल रहे, सुर चेंज हो गया। पहले मैं जैसे सिर्फ सिर्फ मुझे फनी 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 सब कुछ ऐसे करने का होता था, अब मैं लाइफ कॉमेडी जो मेरी ट्रेजेडी में जो भी है मेरे साथ, तो मैं निकाल के अब लाइफ की बातें मैं उसमें घुस गया हूँ। तो आई थिंक इवॉल्व भी कर रहा हूँ एज अ कॉमेडियन, तो थोड़ा आगे जाके और बेटर हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या सीन था कि पापा ऐसे एक दिन के लिए मिलने आते थे एक हफ्ते में, और वो पापा आते थे तो फिर तो हम पागल हो जाते थे कि पापा आएंगे। और क्या है कि ना एक साउंड है, रॉयल इनफील्ड बुलेट की एक साउंड है, पापा बुलेट चलाते थे, तो वो साउंड आपको बहुत दूर से आवाज़ आती थी, तो सारे बच्चे भाग के भाग गेट के बाहर पहुंच जाते थे। इतना ही बड़ा घर है मेरा भी ऑलमोस्ट, वैसे भाग के बाहर पहुंच जाते थे कि अब पापा आ गए पापा, क्योंकि पापा बिना चिज्जी ले तो आएंगे नहीं, पापा तो सब कुछ लाएंगे। और बाय रिकॉर्ड वो आदमी जिस बच्चे को जो पसंद है उसके लिए वो लेकर आएंगे ही आएंगे कि ये तेरा है ये तेरा है ये तेरा है। तो जाते ही एकदम सारे हो जाते थे। उसके बाद तो जब मैं मेरा ट्रेन लगा तो अब मेरठ में तो हर तीसरी बुलेट निकलती है। दे दो चाय, दे दो, हाँ दे दो ना चाय। हाँ तो हर तीसरी बुलेट निकल रही है, हर थोड़ी देर में बाहर भाग के जा रहे हैं कि पापा ना हो। बट फिर जब आते थे तो फिर ऐसा हो जाता था कि भाई अब तो बिल्कुल मतलब इनके साथ ही वापस जाना है। तो हाथ पैर जोड़े पड़े पापा के, बच्चे गिरेगा तो नहीं ना, इधर लाओ यहाँ लाओ, कुछ नहीं गिरेगा। कंफर्टेबल हो? नहीं कंफर्टेबल हूँ, ज्यादा ही शहर का हो गया हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि हाथ पे गिरेगा तो नहीं, इस पे खाना खाया मैंने 15 साल। तो तो वो आवाज आती थी, बुलेट सिंबलाइज करती थी, सिंबलाइज करती थी पापा के, पापा के। तो फिर उसके बाद एक वो जब आते थे तो उसके बाद हम पापा के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, खूब खुश होते थे। और हमारे मेरा मतलब तीनों बच्चों का ही पापा का रिश्ता वो वाला नहीं है, पापा पापा वाला रिश्ता नहीं है कि पापा स्ट्रिक्ट है, वो वाला रिश्ता नहीं है। हम पापा के ऊपर कूदते हैं और वो कुदाते हैं कि कर लो जो करना है कर लो। हम अभी भी ऐसे पापा कुछ बोलते हैं, पापा ने मेरे को सीरियस बात बोल दी तो हम पापा की दाढ़ी पकड़ के हिला देंगे कि क्यों बोले जा रहे हो, कुछ भी फालतू क्यों बोल रहे हो आप, तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि फिर जब वापस जा रहे होते थे शाम को, वापस भी 3 बजे के आसपास निकलना होता था उनको, क्योंकि सड़क ख़राब थी और 5:30 तक गाँव पहुँचना होता था। तो उस टाइम पे रोने लगते थे, पैरों में गिर जाते थे कि पापा साथ लेके चलो यहाँ नहीं रहना, क्योंकि किसे रहना है कहीं, तो अपने अपने मम पापा के पास ही रहने का मन करेगा ना, क्यों रहेंगे यहाँ। पापा के पास कोई इलाज नहीं था इसका, किसी ने कैसे रोका जाएगा। पापा छोड़ देते थे कि ठीक है, एक हमारे एक जी होते थे, हमारे अंकल होते थे, अभी उनका कुछ टाइम पहले देहांत हो गया, वो मेरे दादा के साथ पुलिस में थे। तो पापा काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनके, क्योंकि वो पापा के से बड़े ही हो गए, और मतलब मेरे सब फंक्शन में उन्होंने काफ़ी उनका मेजर रोल होता था। वो पुलिस में थे, उनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती मार पिटाई के अलावा। तो वो अंदर ले जाते थे किचन में, जब मैं जिद करता था, मैं इतना सा बच्चा, और उनके हाथ में जो आता था उससे मार देते थे। उन्हें यही नहीं पता कि बच्चे को जो भी है, उनका तो दिमाग पुलिस है ना, वो तो तुम जो पलटना है ना किचन में, जो एक चमचा होता है एक पलटना होता है, जिससे रोटी पता नहीं क्या पलटते हैं उससे, मुझे पता नहीं उसका, मेरा चिमटा नहीं सर, जो फ्लैट होता है बिल्कुल, ओके राइट, जो बिल्कुल करची, हाँ करची करची, तो हमारे उसे पलटना कहते हैं, क्यों पता नहीं, शायद वो पलट देता है इसलिए बस। किसी ने उसका नाम बना दिया। वो उससे मारते थे मुझे रसोई में कि चुप हो जा, जब तक पापा निकल जाते थे, पापा बाहर हैं, पापा निकल गए, जैसे पापा निकले रोकने के लिए मुझे कि मैं तो जिद कर रहा हूँ ना कि बाहर जाना है भागना है, उससे मारते थे। वो तो किसी भी चीज़ से मारते थे जो उनके हाथ में आता था। मेरा आज तक भी पलटने से ना खौफ है कि मैं इसको देख के लगता है कि कमर में लगेगा, बहुत दिल लगता है। तो वो सब मेमोरीज काफ़ी हद तक रहीं काफ़ी टाइम, पर मतलब एज सच उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट शायद थेरेपी वेरेपी लेके पता चलता है कि ये सब चीज़ें आपका कैसे आपको थोड़ा डर बिठा देती हैं कि शायद, फिर उसके बाद जिद ही करनी बंद कर दी वापस मिलने की। मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि अब ना इतना अकेले रह लिए हैं कि अब ना किसी के साथ रह ही नहीं जाता। तो अब वो सही इंडिपेंडेंस का नाम दे देते हैं हम उसको, हम इवॉल्व बता देते हैं उसको, हम कुछ भी, बट है तो वो ख़राब ही। मतलब कोई अगर 4 बातों में भी 4 में से 3 बातें अच्छी भी करे और 1 खराब करता था तो उसी पर बात ख़राब हो जाती है कि ठीक है अकेले ठीक है, हम है नहीं हम अकेले ठीक, पर
पता नहीं क्या हुआ है ये जो भी हुआ है ठीक है, पर कोशिश कर रहे हैं, थेरेपी वेरेपी ले रहे हैं, हम ना करेंगे, हाँ भाई थोड़ा ठीक कर दो, जरा बुद्धि ठीक हो जाए तो थोड़ी आगे की ज़िंदगी बना लें, वरना करेंगे क्या, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगा और 2-3 साल में कोई नया वायरल होकर निकल जाएगा। कब से थेरेपी ले रहे हैं? मैंने सर पहले 2017 में ली एक बार, मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ था उसके बाद मेरे पास कुछ काम ही नहीं था करने को, फिर पता नहीं बहुत ही मेंटली मेरा कुछ अजीब सा हो गया था, तो आई जस्ट थॉट कि एक बार बात करके देखते हैं, तब ली थी मैंने। उसके बाद फिर तो महंगी बहुत है थेरेपी, तो लगता है कि यार किताब विताब पढ़ लेते हैं। ये हमारी कहानी सुन लिया करो, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी कहानियाँ सुन के उनका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एंगर है, या सो नहीं पाते हैं। तो अब हम एक स्टडी शुरू कर रहे हैं IIT कानपुर में कि हमारी कहानियों का क्या असर है मेंटल हेल्थ पे, और कैसे उसको एक इफ़ेक्टिव टूल बनाए। हमें तो मतलब सैकड़ों लोगों ने ये भी कहा कि डिप्रेशन ठीक हो जाता है, पर हम पब्लिक में उसको नहीं बोलते, नहीं बोलते, क्लिनिकल टर्म नहीं बोलनी, क्लिनिकल टर्म नहीं बोलते क्योंकि साइंस की बैकिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पर ये है कि एक असिस्टिव टूल हमें भी बोला जाता है कमेडियंस को भी कि हम आपके स्ट्रेस बस्टर हैं, तो स्टडी तो आपकी हो जाए, हमारे पे भी करा देना, फिर तुम भी देख, हमें भी जान लेंगे कि क्या हो रहा है। बट तो क्या आपकी बहुत कहानी सुनी, यादव का इडियट बॉक्स में भी बहुत कुछ सुना है मैंने, तो कुछ 2000 हम परिचित हैं सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है मैंने दिल से कहा से अच्छा गाना नहीं लिख सकता कोई, ठीक। और जो उसमें इरफान साहब करके चले गए वो नहीं हो सकता, वो जो भी है ना वो बहुत कमाल चीज़ है वो, मतलब मैं शायद अभी छोड़ के चला जाऊँ गाना सुन लेना कमरे में बैठ के मजा गाना। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भी ना कि एक ना सीरियस वाला पार्ट ज़्यादा हावी हो गया था पर्सनैलिटी पे भी। मैं 8th क्लास में ये सब सुनता था। अच्छा। हाँ, एक मस्ती पिक्चर का एक गाना आया था, दिल दे दिया है। वो ये सब मेरे फेवरेट गाने होते थे 8th क्लास में, किसको दिल दे दिया, पेन दे रहे हैं एक दूसरे को, कुछ भी बकवास चल रही है। तो, तो प्यार भी हुआ था मुझे बहुत तगड़ा एक, अच्छा। एक बंदी से। हाँ, तो वो वाला पार्ट शायद ऐसे ही हुआ क्योंकि आप पूरे टाइम अकेले अपने आप से ही बात कर रहे हो, आप घुटे हुए ही हो, क्योंकि पता नहीं आप वो क्या बोल रहे हो, किससे शिकायत भी है तो किसको बताऊं जाके। 90% टाइम तो आप, क्योंकि घर वालों का क्या है ना, घर वालों उन्हें आप ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं बता सकते, बड़ी घटना है बता सकते हैं, मम्मी को ये नहीं बता सकते, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, चाटा मारेंगे बहुत तेज। कि मन है वही लगा के रखो जाए, ठीक है, जो जो पढ़ने बैठ जाए चुपचाप। तो वो बहुत डिफरेंस है, स्कूल में टीचर को नहीं बता सकते, वो चाटा मार देंगे। तो दीदी से मिलना बहुत कम होगा, दीदी को भी क्या बताएं, दीदी भी आके थोड़ी देर में यही बोलेगी कि पढ़ाई दिखा, भी कॉपी दिखा, कॉपी है ही नहीं, बनाई नकली कॉपी। तो मुझे ये भी पता कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर मैंने कुछ ऐसी बात छेड़ दी और उन्होंने मुझे बोला कि अपनी कॉपी दिखाओ, तो मेरी कॉपी या तो कंप्लीट हो तो मैं जाके बहसबाजी लूँ, जब मुझे पता है मैंने होमवर्क भी नहीं कर रखा तो मैं क्यों लूँ। तो मैं अकेला ही कोने में घूमता रहता था अपना, मैं तो वो वाला आदमी ना रेडियो यहाँ लगा के सोता था, मैं यहाँ लगा कि मुझे सारे गाने सुना पूरा। कुछ टाइम पहले आरजे साइमा का मैसेज आया था, मैंने कहा साइमा मुझसे बात मत करना, ठीक है, क्योंकि आप ना मेरे साथ जिए हो बहुत टाइम तक। तो वो वाला सीन है, तो बहुत टाइम ऐसे ही रहा है मेरा, तो मेरा वो गांव का एक पर्टिकुलर पूरा पार्ट है जो वहीं रहा है, कि वहाँ से, क्योंकि वो इंसिडेंट से ऐसे है ना कि किसी को बताओ, मैं अब आप ही को पहली बार बता रहा हूँ, मैंने किसी से बात भी नहीं करी है सब, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान जिससे मैं ये बात बताना चाहूँगा। जैसे मेरा दोस्त जो मेरे साथ भी आया है, ये शहर में रहा है हमेशा से, अच्छा, तो इन्हें नहीं पता कि गांव में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब 6 बजे के बाद लाइट नहीं है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी थी, अब लाइट भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो 2 घंटे के लिए आनी है बिजली, सबको पता है, वो इतना फनी होता था, एक बिजली आई है तो पूरे मोहल्ले की आवाज आई, आ गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और फिर एकदम से चली गई, फिर पूरे मोहल्ले की आवाज आई, ओ तो हाँ कलेक्टिव हो, कलेक्टिव हो।
मुझे याद में 2003 का वर्ल्ड कप हमने पापा से बोल दिया था कि पापा वो तो मैच देखेंगे देखेंगे हमारा रत्न, तो ट्रैक्टर खड़ा करते थे उसके ट्रैक्टर की बैटरी से वो लगा के वो टीवी चलाया जाता था, एक ही टीवी था इतना छोटा सा, उसी पे देखते थे। इतनी मेहनत करी, 2 घंटे पूरा ट्रैक्टर लगा के सब मेहनत करी, पहले ट्रैक्टर चार्ज होता था ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज होती ट्रैक्टर स्टार्ट करके, फिर उससे वो कनेक्ट करके पूरा वो करते थे, और फिर आउट हो गया सचिन मूड ही खराब हो गया फिर होता था कि चलो हम अपना मैच खेलते हैं, तो साइड में अपना भी चल रहा है, फिर यहाँ से टीवी भी चल रहा है, वो सब। एक बार मुझे याद है मैं छोटा था, तो अब मैं ये बात क्या किसके शहर के बच्चों को बताऊं कि ये हमारे हमारी प्रॉब्लम ही बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही है कि हम लालटेन में पढ़ रहे हैं, कीड़ा आ जा रहा है और कीड़ा शर्ट में घुस गया, अब क्या क्या कॉपी में देखोगे यार कीड़ा घुस गया है तो अब अगले दिन इसलिए स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि कीड़े ने काट लिया तो एक बार मुझे याद है कुछ तो मेरी माता जी, मैं इंग्लिश में आया, मेरा कुछ 100 में से शायद मेरे एक दोस्त हुआ करता विभोर प्रताप सिंह, मैं कुछ ही दोस्त हैं जिनसे मेरी दोबारा बातचीत नहीं होती अब, वो पता नहीं विभोर क्या कर रहा है आजकल कहाँ पे है तो विभोर प्रताप सिंह थे शिलोरा गांव के, हम दोनों गांव बस में आते थे तो ऐसे बात बात करते आते थे, तो कुछ थर्ड वर्ल्ड क्लास थी हमारी कुछ तो हमारी टीचर जो थी उन्हीं की बेटी हमारी क्लास की टॉपर थी, अच्छा निहारिका, तो उसके अंग्रेजी में बढ़िया नंबर नंबर आया, जो भी मुझे मतलब जो जो छोटा छोटा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे ये याद है कि मेरा आया 100 में से 1 नंबर इंग्लिश में पता नहीं किस चीज़ में आया एक भी, पता नहीं 100 तो शायद 100 का तो पेपर भी नहीं होता था थर्ड क्लास में, 20 में से 25 में जिसमें से भी आया एक नंबर आया तो अभी बहुत बहुत जोर से हंसा क्योंकि मैं अनुभव हूँ तो मेरा तो पहले ही आ गया शीट ए पे, ए पे आ गया, तो वो बहुत जोर से हंसा, जब वी आया उसका आया आधा नंबर तो मैंने कहा जब तुझे पता है तू भी दूसरे गांव का ही है तो तू क्यों हंस रहा है, हमारे मिला के 1.5 नंबर आया, हम चुप नहीं बैठ सकते साथ तो मैं मम्मी को पता चल गया मेरा 1 नंबर आया, कुछ तो पैरेट का चैप्टर होता था मुझे, मतलब ये सोच रहा ये मेरे वो मेमोरीज हैं जो मेरे दिमाग में बसी हुई है क्योंकि उन उन दिनों पे मैं बहुत परेशान रहा हूँ जब घर गए मम्मी ने कहा कि तो 1 नंबर कैसे आ सकता है, मैंने कहा मुझे ये नहीं पता एक आया कैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था मैंने कहा मैं तो ये पूछ रहा हूँ 1 नंबर किस चीज़ का है, मैंने तो राइटिंग ही नहीं लिखी तो गुड हैंड राइटिंग का भी नहीं हो सकता तो किस चीज़ का है तो मम्मी मुझे रात को पढ़ाने बैठ गई लैंप लगा के, केरोसिन वाला लैंप लगा के, मम्मी मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, खुद को नहीं आती उनको ये तो मुझे अब पता चला ना कि मम्मी को इंग्लिश नहीं आती अब मम्मी मुझे पढ़ा रही इंग्लिश, अब मुझे कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा था इतना समय बच्चा हूँ मुझे क्या समझ में आएगा, मम्मी बता रही है पैरेट ये पैरेट वो, मैंने कहा अरे मर जाए तोता मेरी बला से मुझे क्या लेना देना यार अब समझ में मम्मी को खुद नहीं आ रहा किताब में देख के कि क्या लिखा है, चांटे मेरे में लग रहे हैं कि तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मैंने कहा मम्मी मैं तो सीख रहा हूँ आपको आता नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है उस रात में इतना पिटा कि मम्मी को लगा कि मैंने आज तुझे पूरा सिखा दिया होगा, अगली बार टेस्ट हुआ 3 नंबर आए, मैंने कहा मम्मी बता क्या सिखा दिया 2 नंबर आप रख लो मेरा एक ही चल रहा है ठीक है ये सब मेमोरीज ऐसी है ना, मैं डिक्टेशन की स्पेलिंग गलत सुना देता था, कुछ भी बात चल रहा था कुछ नहीं आता था उस टाइम फिर एकदम से ऐसा हुआ कि फिर दीदी ने आके कुछ बताया ऐसा, फिर इंटरेस्ट ले लिया। अच्छा पढ़ाई में इंटरेस्ट? नहीं नहीं कि अच्छा समाज है ना, मुझे नफरत है समाज से, मैं इस चक्कर में मेरी आधी जिंदगी खराब हुई है समाज के उसके चक्कर में, क्योंकि माँ बाप के परसेप्शन बन चुके हैं वो इंग्लिश आनी ही चाहिए, अरे लैंग्वेज है भाई आती होगी नहीं आती होगी भाड़ में जाए, बिल्कुल इतना मन था मेरा कि मैं हिंदी स्ट्रांग कर लूँ अपनी, इस चक्कर में कहीं के नहीं रहे हम, अब हिंदी जैसे हिंदी अच्छी लगी तब तक पता चला उर्दू भी कुछ होती है, उर्दू बहुत अच्छी लग गई, अब ना हिंदी के ना उर्दू के ना इंग्लिश के, अब कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं सेंटेंस बोल दिया मैंने, सेंटेंस वर्ड कहाँ से आया मेरे मुंह, क्यों यूज कर रहा हूँ 3 लैंग्वेज एक साथ, तो इस चक्कर में कहीं के नहीं रहे, स्कूलों को खुद नहीं पता क्या फॉर्मेट है क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं, हिंदी लिटरेचर और हिंदी ये क्या बोलते थे मतलब जब हमारे जो एग्जाम होते हैं हमारा तो एक लैंग्वेज और एक लिटरेचर ऐसे होता था, बट बात वही है ना सर लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे है, हाँ बिल्कुल
फिजिक्स और लैंग्वेज का पेपर साथ में कैसे हो रहा है मुझे बताओ। लैंग्वेज लैंग्वेज है, इसको अलग तरीके से पढ़ाओ, इसके सेमिनार कराओ, बैठा के बात कराओ, मुझसे बोल के सुनो मैं बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, इसमें इसे मैं क्यों लिख के आ रहा हूँ, मैं लिटरेचर भी लिख रहा हूँ और मैं लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, ये क्या कहाँ से कौन बता के जा रहा है ये। तो ये पंगे, फिर सुबह ऐसा होता था कि 5:30 बजे उठना होता था, फिर तैयार हो गए आप, फिर पापा बुलेट से स्कूल बस तक छोड़ के आएंगे। एक सुबह में उठा 5:30 बजे, तो मैं नीचे उतर के आया तो घर में ना शोर मच रहा था, लोग घूम रहे थे ऐसे। तो जैसे अपनी ये दीवार है, इस दीवार के साइड में ही हमारी ऐसे खोर थी, ये खोर ये होती है, हमारे खोर बोलते हैं जो चारा डालते हैं, तो भैंसे होती थी उस टाइम, 7-8 भैंसे होती थी, क्योंकि मम्मी नांद कहते हैं हमारे यहाँ, नांद। हाँ, तो हमारे यहाँ नांद एक बड़ी सी वो होती है टोकरी टाइप की, उसको नांद कहते हैं, उसमें अलग से वो खल वल बिकोते हैं। तो मम्मी के पेट थे भैंसे, मम्मी का डिपार्टमेंट भैंसों का है, क्योंकि क्योंकि मम्मी की पर्सनल कमाई है, राइट, जो दूध जाएगा वो आएगा वो मम्मी का अपनी पर्सनल कमाई, उसमें पिताजी का एक पैसा। हाउ इंटरेस्टिंग, उसमें पिताजी का कोई लेन देन नहीं, मम्मी करेंगी भैंसों का सब कुछ, मम्मी की खेती पापा का है, तो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मम्मी की पहले से थी। अच्छा, पापा से ज्यादा कमाती थी मम्मी, क्योंकि मम्मी का पेमेंट डिलेड नहीं था। मम्मी दूध रोक देंगी, करेक्ट, कि नहीं दे रही तुमको, करेक्ट करेक्ट, मैं किसी और को दे दूंगी क्योंकि सप्लाई डिमांड चल रहा है, right. पापा तो गन्ना मिल को ही देंगे, पापा का गन्ना कहाँ लेके जाएंगे। रास्ते में थोड़ी बोलेंगे कि भाई 10 रुपए गन्ना ले, तो होना नहीं है, तो उनका डिफरेंस था। तो 4-5 भैंसे होती थी उस टाइम पे, अब तो उन्होंने एक ही कर लिया बिल्कुल अब, क्योंकि हो गया। और मम्मी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट उनकी भैंसे, वो उनके लिए बिल्कुल पेट है, नहीं नाम नहीं थे ऐसा, बट उनकी वो थे कि वो मम्मी को देख के ही रिस्पॉन्ड करते, रिस्पॉन्ड करेंगे, दूध भी सिर्फ मम्मी को ही देंगे। अच्छा, और किसी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा, हाँ। और अभी भी मतलब रिसेंटली मेरे पास मम्मी 4-5 दिन रहने आई थी दिल्ली, मेरी मेरा गला खराब हो गया था तो ऐसे ही मेरे पास आ गए थे रहने। 4th-5th दिन मम्मी वो लाइक कि अब वो दूध नहीं देगी, तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं कहा प्लीज माँ जाओ आप, तो जैसे पेट यहाँ पे डॉग पेरेंट्स और कैट पेरेंट्स वैसे वो, करेक्ट। तो एक सुबह हम उठे तो शोर वोर मच रहा घर में, मैं नीचे आया, छोटा सा ही था, क्या पता चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, घर में 10-12 लोग घूम रहे, ठंड हो रही, गंदी ठंड, गांव में जो पाला पड़ता है वो वाली ठंड, कि सब खेस में लपेट के सब अपने उसमें है, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा, मतलब बीड़ी भी अंदर से पी ले रहे हैं कि धुआं अंदर ही रहेगा ठीक रहेगा। तो दीवार तोड़ के चोर हमारी भैंस ले गए, ओ 3 भैंस चोरी हो गई हमारी, कुछ 2 या 3 भैंस। Oh my God. मैं आया, मैं कम भैंस चोरी बहुत होती थी उस टाइम पर गाँव में, तो पहले वो चलते थे ना मेरे साइड पर, कमेले वमेले चलते थे। ये मुहावरा भी है, तुम्हारे क्या हो भाई बड़ा मुंह बना हुआ, तेरी भैंस खोल ली क्या, भैंस खोल ली क्या। हाँ, तो भैंस खोल के ले गए हमारे चोर। अब मेरी माता जी रोए जाए रोए जाए, मैं सुबह उठा 5:30, तो थोड़ी देर तो मुझे लगा कि रो, रात तो मैं रो रहा था क्योंकि मुझे रीज़न भी नहीं पता ना क्यों रो रही है, और माँ रोई जा रही है, मैं फिर मैं अब बच्चे के सामने माँ रोएगी तो बच्चे को तो समझ ही नहीं आएगा ना क्या करना है, मैं उनसे चिपट के बैठ गया, मैं भी रोने लग गया, मैं कहा तो अब दोनों रोते हैं, बात नहीं पता पर रो लेते हैं ठीक है अच्छा। फिर अब मेरी माँ क्यों रो रही थी, इट वॉज सच अ स्वीट थिंग, मुझे ये भी नहीं पता मुझे ये सब बातें याद क्यों है। मेरी माँ रोने लगी, बोली बेटा सॉरी आज स्कूल जाने से पहले दूध नहीं दे पाऊँगी। मैंने कहा माँ मतलब ठीक है, इतना भी कुछ नहीं है इस बात पे, तो पिताजी से वो सॉरी बोलने की चाय नहीं बन पाएगी मुझे, बोल रही नहीं हो पाएगा फिर। और भैंस चोरी हो गई है, और भैंस इज लाइक मतलब उनसे लगाव था, लगाव था सर, प्लस वो आपका कैपिटल है, वो लाइवलीहुड है, ऑफ कोर्स वो लाइवलीहुड चल रहा है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है घर का। हाँ। पूरा गाँव आधा गाँव इकट्ठा हो गया है कि अच्छा, वो बड़ा प्यारा फन सीन था, मतलब ऐसे वो 4 लोग इधर जाएंगे, 4 लोग उधर गए, ऐसे गए उधर बाग में, देखो कहाँ जाएंगे, फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं, फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं कि 3 भैंसों के फुटप्रिंट होने चाहिए, आगे पीछे वो लाइट करने चाहिए, फिर ये डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा तो नहीं है एक अलग रास्ते पे गई 2 पे गए, दो के देखो फुटप्रिंट, चोर भी तो शादी रह सकते हैं बिल्कुल। तो वो भाई मैं वो मैंने फिर मैंने पूरा बने कहा माँ कोई बात नहीं है, वो ये वो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने हल्का सा स्लाइड किया कि मैंने कहा स्कूल नहीं जाता ना फिर मैं आज। एक चांटा लगा मैंने कहा जा रहा हूँ जा रहा हूँ। इसको आज के समय में कहा जाता है आपदा में अवसर। मुझे वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैंने कहा कैसे ढूंढी जाएगी भैंस, तो मुझे वो सब देखना है कि क्योंकि मैं एज अ किड मुझे ये भी मुझे जो दिमाग में आ रहा था वो ये था कि
जब वो कहीं पर चलेगी तो उसकी बेल जो है उसकी आवाज आएगी. हाँ करेक्ट. बट थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया कि बेल तो खोल दी ना, उन्होंने रस्सी बांध ली अपनी. रस्सी की आवाज नहीं होती क्योंकि जब घर में कभी कभी भैंस खुल जाती थी उसकी आवाज आती थी चलने की, तो हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि साइड में भाग जाना. अच्छा. क्योंकि बच्चों का था कि साइड में भाग जाना, इसके सामने मत आ जाना. तो हम वो आवाज सुनते भाग जाते थे, मतलब मम्मी भैंस खुल गई, भैंस खुल गई, मम्मी आएंगी, मम्मी पकड़ी. तो वो सब दिमाग लगा रहे, फिर गए बस में बैठे, फिर जाके बस में जो जो गांव के बच्चे थे उन्होंने सबको बताया कि भैंस खुल गई, तो सब हो गए अरे भैंस खुल गई बताओ. जितने बच्चे हैं सोच रहे हो आप कैसे मैच्योर हो रहे हैं, इतने बच्चे की भैंस खुल गई बताओ, ये कितनी भैंस थी. जैसे स्कूल पहुंचे शहर के बच्चों को बोला भैंस खुल गई, वो कह रहे कि मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम रेनॉल्ड्स का पेन होगा ना तुम्हारे पास. बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ थी. फिर शहर में आ गए, फिर शहर, फिर धीरे धीरे. तो मिली कि नहीं? नहीं 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 मिली. चली गई. तो 6 महीने लगे इन लोगों को वापस से पैसे जोड़ के दोबारा भैंस लाने में, दोबारा वो करने में. दीवार भी टूट गई, ये भी तो खर्चा बढ़ गया. फिर दीवार लगवाई गई तो वो सब. लेकिन ये आजकल मैं बहुत इस पर सोचने भी लगा हूँ, कहने भी लगा हूँ कि स्कूलों में खेती क्यों नहीं सिखाई गई. स्कूलों में अगर फसलें कैसे उगती हैं, गांव कैसे रहता है, ये सिखाया गया होता तो शायद ये देश अलग होता. इसलिए क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होता, जब आप जानते हो उसकी वैल्यू. गांव एक स्टीरियोटाइप नहीं रहता जो अब है. किसान के लिए शायद रिस्पेक्ट होती, एम्पथी होती. आप लकी थे कि आप ये दोहरा जीवन जी रहे थे कि रात को गांव में आ गए, सुबह शहर में चले गए. ये एक्सट्रीमली रेयर है. किसी बच्चे के लिए तो बहुत ही रेयर है. तो ये आपने देखा उस समय क्या कि आपको क्या गांव वाला समझा जाता था या शहर वाला समझा जाता था, और क्या इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे बातचीत में या हर जगह थे. सबसे पहली चीज़ तो सर जो आपने बोली कि स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाई जाती खेती, मैं जानना चाहता हूँ स्कूल में सिखाया क्या जाता है. कंपटीशन के अलावा क्या सिखा रहे हो? कुछ भी तो नहीं. एक तो फर्स्ट आना है, बस फर्स्ट आना है. किस चीज़ में आना है, क्या होना है, कुछ नहीं पता है. सब बच्चे मतलब मुझे नहीं समझ में आती एजुकेशन किसी भी तरह से. कि आप उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वही मैं बोल रहा था समाज से मुझे नफरत है. वो परसेप्शंस ना बनाए गए होते ना. मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी थी 11th में. मैं आर्ट हूँ, मैं आर्ट का स्टूडेंट बनना चाहता था, मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी. मुझे नहीं जानना बंदर पुली पे क्यों चढ़ता है. मुझे नहीं जानना ग्रेविटी कितनी लगती है. सब पे सेम लग रही है, लग रही है ना. जिस दिन हट जाएगी पढ़ लेंगे इसके बारे में. हमें लग रही है, मुझे नहीं जानना. मैं कोई साइंस का वो नहीं हूँ कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे पढ़ाई नहीं करनी. मुझे पढ़ाई हिस्ट्री करनी थी, मुझे ज्योग्राफी, मुझे कुछ तो पढ़ा देते हैं ऐसा. मैं आपकी शिकायत एचसी वर्मा जी तक पहुंचाऊंगा जब उनके साथ स्लो इंटरव्यू होगा. नहीं नहीं एचसी वर्मा जी से कुछ मत कहना. अरे क्या एचसी वर्मा, क्या नाम लिया आपने, एक हरी बुक एक नीली बुक. दो वॉल्यूम में थी वो. और कसम खा के बताऊं मैं दूसरी वॉल्यूम तक तो पहुंच ही नहीं पाया. बता मेरे से पहली नहीं खत्म हो गई थी क्या करना. तो एंड आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट. राइट. मैं अच्छा खासा स्टूडेंट हूँ जिसके मतलब इंटरेस्टेड इन स्टडीज. हाँ मैं 10th 90% हूँ, 12th 86% हूँ. और उस टाइम पे 2008-09 के अच्छी परसेंटेज है. यूपी बोर्ड नहीं नहीं सीबीएसई पब्लिक स्कूल में आया था ना. यूपी बोर्ड होता तो हम आपके तारीफ करते. ना 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 यूपी बोर्ड में 90% होते तो मैं कहीं और ही होता. यूपी बोर्ड तो बहुत टफ है. 90 तो 74 थे. बहुत ब्रिलियंट सर. ब्रिलियंट लोग हैं. ब्रिलियंट. तो पहली चीज़ तो वो कि स्कूलों में खेती क्या. अब उसका अफेक्ट मुझे अभी भी कभी कभी मैं गांव जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि इस चीज़ ने इतना ख़राब कर दिया है कि अब के जो लड़के हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर खेती करने में. ठीक. फिर मैं उनके बारे में सोचता, फिर मुझे लगता है कि मैं ही कहाँ इंटरेस्टेड हूँ. मैं भी तो इसी तरह से ख़राब हुआ हूँ ना. मैं भी तो नहीं गया ना वापस. मैंने भी तो दोबारा, हालांकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं खेती की क्योंकि मैं पिताजी के साथ रहा हूँ. बट मेरा ना करने का रीज़न एक ये भी है क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ज़्यादातर करने दिया ही नहीं. राइट.
क्योंकि उन्हें ये था कि दिलचस्पी ना लग जाए इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है. उन्होंने बैल से ट्रैक्टर पे आना ही एक बहुत बड़ी जर्नी है एक किसान के लिए. तो मुझे ज़्यादा जैसे बेसिक काम मैंने कभी कभी कर दिए हैं कि ऐसा पापा कहीं बाहर गए और नक्का बदलना है, पानी भर गया उसमें, तो मम्मी बोलती थी नक्का बदल गया उसका, तो मैं अपना कसला लेके यहाँ रख के बाइक पर चले गए, अपना नक्का बदल के आ गए. बेसिक बहुत बेसिक काम करवाया उन्होंने मुझसे, उसके ऊपर मुझे जाने नहीं दिया. तो खेती तो मुझे लगता है सबको वैसे ही वैसे भी आनी चाहिए. बिल्कुल. अब शहर में बैठा हुआ आदमी, जीके में बैठे हुए लोग रात को पार्टी करते हुए जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बकवास करते हैं, एक आदमी को नहीं पता कि चावल होता भी कैसे है. खा वो ब्राउन राइस रहे हैं, उन्हें सफ़ेद का भी नहीं पता कैसे होता है, कितना पानी लगता है, ट्रैक्टर के साइड में क्यों लगती है, वो अलग से पहिए क्या हो जाए, कुछ नहीं पता उनको. वो सब उन्हें पता होता तो उन्हें कहीं ना कहीं दिखता कि कैसे वो उस चीज़ को सिर्फ खरीद के आपस में बात करने से, अपने आप को कूल बनने से ज़्यादा उनकी वही आप जो बोल रहे हैं एम्पैथी किसानों की तरफ होती है. वो ये ना बोलता कि हम अपना फार्म हाउस लेके यहाँ पे हम तो अपनी सब्जी खुद उगाते हैं, नहीं तुम वहाँ उसकी उगवा दो यार, वो मर रहा है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा, वहाँ इन्वेस्ट कर दो ना थोड़े से पैसे, तुम पे है ही तो वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं है. आपको शहर तक आप पता नहीं खेती शहर तक आई क्यों नहीं, अरे पढ़ाई तो करा दो कम से कम. आज तो अब जब चूँकि दुनिया सुपर फूड कहने लगी तो मुरिंगा जो आपके यहाँ हमारे यहाँ सहजन कहते हैं उसे उग रहा था वाइल्ड में. हाँ. वो आपके इंस्टाग्राम की फोटो पे आने लग गया. मिलेट्स अचानक आपके लिए एकदम सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का बोल डाल रहे हैं आप. बिल्कुल. जो जो मोटा अनाज छोड़ के आप आए अपने प्रोसेस्ड फूड की ओर वगैरह. तो और एक साथ 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 ये भी, कल हम यहाँ के बाजार में गए थे, वहाँ साहब चाउमीन मिल रहा है. वहाँ बढ़िया वहाँ चाउमीन का ठेला लगा है. आपको रियलिटी बताऊँ, गांव में मैंने कम से कम 10-15 लोगों को ऐसा देखा है कि शाम को मतलब जिद हो रही है कि चाउमीन खानी है. आ, आ, तो शहर ने अपना सारा खराब गांव में बेच दिया और गांव का सारा अच्छा शहर में ले लिया. करे, करे, तो, यही हो रहा है. यही हो रहा है. अब गांव का आदमी जो रोज मिस्सी रोटी खा रहा है सुबह उठ के मक्खन और चटनी के साथ, उसे तुम चटपटे चाउमीन दोगे तो उसे ये तो लगेगा ही नहीं बहुत बढ़िया है. उसे नहीं मतलब अजीनोमोटो डाल देंगे क्या करना. उसे ये यार देखो मैंने मेरे टेस्ट बड्स बहुत दिनों बाद बदले हैं, मैं 25 साल से एक ही रोटी खा रहा हूँ, एक ही खाओगे. तो वो चीज़ है. बाकी जो आप बोले थे शहर और गाँव के डिफरेंस की, तो हमें हमेशा वो करा गया, हमें हमेशा सेग्रीगेट किया गया स्कूल में. हाँ जी, कि आप गांव से आए हो. किस तरह से? सबसे पहला ड्रेस पे. शहर के बच्चों के पास टाइम था, कुछ के पास मशीनें भी थी, वॉशिंग मशीन, ज़्यादा लोग घरों में नहीं थी उस टाइम, कुछ घरों में वॉशिंग मशीनें भी थी, पर मेजरली उनके पास टाइम था. हम सुबह 5:15 निकलते थे घर से. हम सुबह 5:15 निकले, 1.5 घंटे 2 घंटे बस घूमती थी, अलग अलग गांव में जाएगी बच्चा उठाएगी, अलग गांव में जाएगी बच्चा उठाएगी, फिर आएगी स्कूल में हमें छोड़ेगी. 7:30 बजे के टाइप का स्कूल स्कूल है. 7:30-8 बजे का छुट्टी होगी. अब हम लास्ट पहुंचेंगे क्योंकि हमारा गांव आखिरी है, हम उठे पहले थे उतरेंगे लास्ट. 2 बजे छुट्टी होने के बाद हम पहुँचेंगे घर 4:15 बजे. जो हम 4:15 बजे पहुँचे हैं, मेरी माँ पे टाइम नहीं है कभी कपड़े धुले, तो तुम पहन के आए हो. बच्चे हम शरीफ नहीं हैं कि हम कपड़े साफ वापस लाए हों. हम 10 जगह तो लातों के निशान हैं. लात खाई हैं हमने, हम गिरे भी हैं, कुछ फाड़ ली पैंट अपनी कुछ तो. 5 से 6, 6:30 का टाइम होता है दूध निकालने का. माँ पे नहीं है टाइम. तो यही कपड़े हमें हो सकता है कल पहनने पड़े वापस से. अगर माँ ने धो भी दिए, बहुत गंदे हैं, माँ ने धुल दिए कपड़े, अब ये सूखेंगे नहीं क्योंकि रात को गांव में पड़ता है पाला. बिल्कुल. गांव में नहीं है वो जगह कि तुमने बाहर सुखा दिए तो वो गांव में तो और गीले हो जाएंगे वो सुबह तक. ओस पड़ेगी वो और गीले हो जाएंगे. तो हमें वो पहले तो कपड़ों में होता था कि वाई योर ड्रेसेस, वाई आर यू नॉट नीट एंड क्लीन. अरे भैया मिट्टी में सो गया है, नहीं हो पा रहे नीट एंड क्लीन. फिर ये कि नेल्स क्यों नहीं कटे हुए, बाल क्यों बड़े हुए हैं, क्योंकि गांव का इंसान को नेल्स वेल्स से कुछ लेना देना है नहीं. हाँ, हाँ.
वो उसकी ग्रामर का हिस्सा नहीं है। हाँ। वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। और उससे और ऐसा नहीं है कि उससे उसकी कोई बीमारी बढ़ जा रही है। हाँ, हाँ, कि हाँ, वो अपने मुंह में गंदगी डाल ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नाखून उसके कई सारे लाइफ के पार्ट्स में काम आता है उसका नाखून। अब कोई हमारे काम करने वाला बंदा हमारे घर में, उसने एक नाखून अगर बढ़ा रखा ही है, उसको कोई पूछे क्यों बढ़ा रखा है, कि वो जो स्प्रे का कैन है वो जल्दी खुल जाता है। तो बस उसका है, उसका टूल है वो अपना। उसका हर चीज टूल है उसके घर में। वो किसान है, वो टूल ही टूल पे खेलता है पूरी जिंदगी। तो उस पर डांटे पड़ती थी टीचर से और बच्चों से। बच्चे तो दूर भगते थे ना। अच्छा। बस फायदा ये था हमारा उस स्कूल में, ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करी ये बात कभी, क्योंकि 70% बच्चे गांव से आते थे। तो जो 30% साफ थे वो गलत थे। हम तो सही थे अपनी जगह पे। तो अलग अलग गांव से जो बच्चे आते थे उस चक्कर में हम लोग बच गए। बाकी हम तो हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग था वो। सोचो मुझे ये सब बातें याद है। उर्वशी नाम की लड़की होती थी थर्ड क्लास में, उस पर पेन था, कुछ तो कंपनी का पेन था, और जेल पेन तो सुना ही सुना था तब कि जेल पेन होता है, इसकी इंक के पीछे जेल होता है। अब देखो फर्क देखना आप, शहर का बच्चा कह रहा है इसकी इंक के पीछे जेल होता है, ये जेल ऐसे नीचे जाता रहता है, इंक इसको आगे भेजती रहती है। उसने इसकी साइंस सोची। अच्छा। गांव के बच्चे ने बोली करेगा पूरा मुंह इंक में भर लिया। तो इतना सोच में डिफरेंस है, गांव के बच्चे को खेलना है उससे कि आओ कुछ करके दिखा दे तुम्हारे साथ। तो याद था उसका पेन लेके कोई तो किया? नहीं नहीं, कोई एक हमारे दोस्त का कोई मतलब किसी तो लड़के ने किया था हमारे साथ के, तो खींच के उसने पूरा मुंह अपना इंक में भर लिया था। बट इट वाज सो फैसिनेटिंग कि इसके पास पेन है। तो जब वो स्कूल से निकलती थी तो उसे इसलिए देखा जा रहा है कि इसके पास पेन है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही पेंसिल है वो ही हमें। और गांव में तो सच बताऊं तो हमारा शार्पनर खो जाता तो हम मम्मी पापा को बताते नहीं थे शार्पनर खो गया। तो लगे पड़े पापा की शेविंग किट में ब्लेड निकाल के लगे पड़े यहाँ से उंगली काट ली, फिर इस बात पे पिट रहे कि उंगली कैसे काट ली, क्योंकि ब्लेड से छिली हुई पेंसिल अलग दिखती है, शार्पनर से अलग दिखती है। उस बात पे भी बहुत डांट वाट पड़ती थी। तो होता था हमें अलग थोड़ा लगता था, बट वही मेजरली इसलिए उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गांव के बच्चे ज्यादा थे। तो कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्फिडेंट मैं इसलिए था क्योंकि उस स्कूल में पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा। कुसुम राणा हमारी प्रिंसिपल होती थी उस टाइम पे, उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश करी उस स्कूल में। उनके बस मुझे लगता है उन्हें ना बस बच्चे ही अच्छे नहीं मिले, बाकी उनकी तरफ से तो उन्होंने पूरी मेहनत करी थी। बड़ा स्कूल था, ग्राउंड ग्राउंड बहुत बड़ा था। आप सोचो कि उन्होंने बेसबॉल तक इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। हाँ। मैंने बेसबॉल खेला हुआ है सोचो। अरे गजब। मेरठ के बिल्कुल कोने में गांव में, मतलब गांव नहीं था शहर के कोने वाले स्कूल में बेसबॉल खेला हुआ है हमने। तो शी वाज वाइफ ऑफ कर्नल और ब्रिगेडियर। अच्छा। या फिर वो खुद आर्मी में, ऐसा कुछ सीन था। तो शी वाज वेल ट्रैवल्ड, उनके साथ वो सीन था। तो अब तो मैंने सुना शायद वो स्कूल ही बंद हो गया। अच्छा। तो उन्होंने वो उस टाइम पे सब कुछ किया। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी, फैंसी ड्रेस आपका, छोटे मोटे प्लेज, क्विज, डिबेट्स, ये सब होता था। अब उसमें क्या सीन था कि बड़ी सिस्टर इन सब चीज़ों की महारत हासिल कर चुकी थी, क्योंकि वो रही हमेशा से हॉस्टल में। तो उनके लिए तो इन्फीरियोरिटी को मिटाने का यही तरीका है कि सुपीरियर हो जाओ, सब बच्चों से आगे कैसे निकल सकते हो, निकल के दिखा दो। तो उनके स्कूल में जो कुछ भी हुआ उन्होंने करते, मेरे सिस्टर ने मजाक नहीं पर कम से कम मेरे तो 50-60 ट्रॉफीज तो लाई होगी वो। अच्छा। 12 साल के स्कूल में। और इतने ही मेडल भी लाई होगी, एथलीट भी थी वो। अरे उन्होंने सब कुछ कर लिया था उन्होंने अपना। सेम स्कूल में थे तीनों? नहीं 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 नहीं, अच्छा। वो बिल्कुल अलग स्कूल में थे। ओके। मैं और दूसरे वाले सिस्टर इस स्कूल में थे। राइट। सेम है। तो उनके नाम बताइए। निशी सबसे बड़ी सिस्टर, रुचि उनसे छोटी सिस्टर। तो निशी दीदी से रुचि ने सीखा। अच्छा। रुचि दीदी से मैंने सीखा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। किसमें करना है, वाई इक्वली इम्पोर्टेंट किसी को नहीं पता। सच बात तो हम अपनी इन्फेरियरिटी मिटा रहे थे इन बच्चों से, जो मेरे शहर के बच्चे जो हमसे इंग्लिश बोल के निकल जाते थे। राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखो सोचो मुझे ये भी याद है। रवीश नाम का लड़का था एक। अच्छा। फोर्थ या फिफ्थ क्लास में टीचर ने उनसे पूछा 5 गुड फूड हैबिट्स बताओ। ये मैं पहले अपने शो में जोक करता था, फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे बस इसलिए करना था क्योंकि मेरे मन में ये बात। टीचर मैंने 5 गुड फूड हैबिट्स बताओ। तो हम तो सब ऐसे थे कि मिल जाए बस, पापा मम्मी की लड़ाई ना हो आज रात, टाइम पे खाना बन जाए, मिल जाए बस, खत्म होगी रात। रवीश उठा, उसने बोला कि मैम जब आप प्लेट में
स्पून से राइस खाते हो तो स्पून और प्लेट के कॉन्टैक्ट की आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे दादा रे, फोर्थ या फिफ्थ क्लास का बता रहा हूँ मैं आपको। हम सब ऐसे घूमे, हमने कहा हमने कहा तुम राइस स्पून से खाते हो पहली बात है पहली बात तो ये, और अगर तुम्हें सिर्फ आवाज का ही पंगा है हाँ। तो हाथ से खा लो, नहीं आती पर वो एक फूड हैबिट मेरे दिमाग में बस गई और मैं आज तक जब जब चावल खाता हूँ मेरे दिमाग में आता है कि ये किसने सोचा कि इससे आवाज आएगी तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अरे क्यों है भाई, कहाँ का जेल में खाना खा रहे हो कि और उठ जाएगा तो छीन लेगा तो ये सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमने एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटीज़ में घुसे। कभी फैंसी ड्रेस में कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। मैं नागिन बना था एक बार। अच्छा मेरा डायलॉग था, आज मैं नागिन हूँ, मैं सबको डस लूँगी। और मैं गया स्टेज पे और पता नहीं क्या हुआ, मैंने किसको देखा, मैं जाया से बोला, मैं आज मैं नागिन हूँ, मैं सबको डस लूँगी कोई डरा ही नहीं मुझे आज तक नहीं पता जिस टीचर ने मुझे नागिन बनाया उसने मेरे हाथ में क्यों सांप दिया मैं तो खुद ही सांप हूँ। हाँ और क्या, तो मेरे कॉस्ट्यूम के साथ एक सांप है मेरे हाथ में, तो मैं कैसा नागिन हूँ ये जो खुद भी हूँ और सांप भी है तो मैं आज तक वही सोचता हूँ टीचर से दोबारा मिलना है मुझे भाई कि तुम ये फर्स्ट सेकंड के बच्चे का कैसे पागल बना सकते हो यार, तुम खुद नागिन हो पर सांप लेके चले, तुम में तो बुद्धि है, तुम तो 40 साल के हो तो मैं नागिन वागिन बनता था। मेरा कजन भाई था, उसे सेंटा क्लॉज बनाया, उसे गर्मी लग गई, उसने अपनी झोली में अपने कपड़े उतार के पहन लिए तो वो सिर्फ अंडरवियर में स्टेज पे गया तो लोगों को लगा भिखारी है टीचर कह रही हमने सेंटा क्लॉज बनाया था तो ये सब करा। चाणक्य बना, प्ले में क्विज जीता रहता था मैं। अच्छा। कुछ कुछ डिबेट्स में, फिर मैं दीदी से पूछा कैसे डिबेट में क्या करते हैं, पिताजी हमारे बहुत शानदार वो लिखते हैं। अच्छा। हिंदी में और इंग्लिश में डिबेट अगर उनसे लिखवाना हो तो वो सब किया, तो डिबेट्स में जीत के एक्सटेम्पोर में जीत के आया तो अच्छा। फिर मेरे पास भी ट्रॉफी आनी शुरू हो गई, अब घर में ट्रॉफियाँ भर रही है। रुचि दीदी, निशा दीदी से थोड़ी सी कम रुचि दीदी पर, रुचि दीदी से थोड़ी सी कम मेरे पे, ये चल रहा है सिलसिला। सर्टिफिकेट्स मिलते थे, अलग अलग अलमारियाँ थी सब एक साथ, ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है घर में क्योंकि दीदी अलग जगह रह रही है, दीदी अलग जगह रह रही है, मैं अलग जगह रह रहा हूँ तो दीदी कभी उठा लाई अपनी तो ले आई, और अपनी हो गई तो हो गई। अभी मैंने एक दिन, अभी मैं घर गया था तो दीदी अभी पेरिस में है तो मैंने उन्हें फोटो भेजी थी, पूछ रही का ये कहाँ है, तो हमारे पास यही होता है, हमें बस कुछ एक दिन कुछ दिखता है तो हम पूछते हैं ये कहाँ है कांगी 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 दीदी HBTI कानपुर से पढ़ी हुई है। अच्छा। तो इस तरह की ट्रॉफीज, जो इसी शेप की ट्रॉफीज हर शहर में मिलती थी, ये कानपुर में यही मेरे थोड़ी छोटी साइज की मिलेगी, यही ऐसे होगा, तो ये ऐसी सी ट्रॉफी रखी हुई थी, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। उसको आरिफ को भी दिखा दीजिए जरा, ऑन बिहाफ ऑफ दैनिक जागरण। तब हो गए हैं सारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल ही माहिर। इससे क्या फर्क आया आपकी पर्सनालिटी में? पर्सनैलिटी से ये फ़र्क आया कि एक तो आपको टीचर्स हर चीज़ के लिए पूछते हैं, सबसे पहले आपको पूछते हैं, क्लास में टॉपर है पर टॉपर अब सिर्फ पढ़ाई में टॉपर है, हम नंबर भी ला रहे हैं ठीक ठाक और हमें अलग जगह पूछा जा रहा है, तो स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी क्लास का कौन है, इस पर बैज है, तो बैज मिलने चालू हो गए। फिफ्थ क्लास में पहला बैज मिला था, 12वीं तक हर रोज़ रहा। अच्छा। दीदी पे भी, बड़ी दीदी हेड गर्ल ऑफ डिफरेंट स्कूल, रुचि दीदी हेड गर्ल ऑफ डिफरेंट स्कूल, मैं हेड बॉय ऑफ डिफरेंट स्कूल। वाह। तो ये इनकलकेट होता चला गया जहाँ से आया। चांटे चांटे घर पे कुछ कम हुए या? अब तो घर से बाहर आ गए ना, अब तो घर से बाहर, अब फिफ्थ तक ही रहा ना फिर तो, अब तो जैसे शहर में आ गए फिर मुझे लगे चांटे 8th तक लगे। अच्छा। हाँ, बीच में फिफ्थ में एक बार फर्स्ट आया था, साइकिल मिली थी मुझे तो फिफ्थ में चांटा नहीं लगा मुझे। अच्छा। सिक्स्थ में मैं वापस से ख़राब हो गया। दीदी ने एक दिन मेरा डिक्टेशन किया, दीदी ने कुछ तो मुझे टेस्ट दिया कि इस करो सुनो, तो दीदी आती थी कुछ टाइम के लिए घर आती थी, मुझे पहले से ले आती थी, वो मुझे वैसा है उसके लिए, वो माई है मेरी, वो आके ना मुझे ऐसा बहुत प्यार करेगी, फिर थप्पड़ थप्पड़ मार देगी मेरे, जब मेरी जो भी कॉपी देखेगी कि कोई कंप्लीट नहीं है फिर प्यार करेगी और फिर चली जाएगी तो मुझे याद उन्होंने मुझे टेस्ट ले ली थी, मैं इतना तेज़ बन रहा था जैसे मतलब मैं तो दीदी तो कल ही पैदा हुई है, मतलब मैंने ऐसे रजिस्टर लिया हुआ था और रजिस्टर के लास्ट पन्ने पे मैंने अपने आंसर लिख रखे थे जो सुनाने थे। अच्छा। और सामने जैसे आप बैठे हो ना ऐसे दीदी बैठी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैं ऐसे कर रहा हूँ और फिर सुना दे रहा हूँ
दीदी भी बहुत तेज, पहले पूरा पूरा सुना, ये नहीं कि पहली बार में चांडा मार दो तो मैं आगे ना करूं ये सब, फिर एक साथ एक्युमुलेट होकर 10 चांटे लेने लगेंगे, एक ही लगता था पूरा घंटा डेढ़ घंटा सुन के। अच्छा, मैंने पूरा टीप टाप भी सुना है, फिर मैं पिटा आराम से, मैंने कहा यार तो ये सब होता था। फिर इससे वही कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया कि आपको टीचर्स पूछते हैं कि आप इस प्ले में ये बन जाओ, जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है प्ले की वो आपको मिल रही है। तो इस तरह से होते होते कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। जो इंग्लिश का डर था कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, वो डर थोड़ा सा कम हो गया, कम हो गया, क्योंकि हिंदी तो बोल पा रहे हैं ना अच्छी, हिंदी के हिंदी में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था हैंड राइटिंग का, ओके, कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। बड़ी सिस्टर की खूबसूरत हैंड राइटिंग, छोटी सिस्टर की खूबसूरत हैंड राइटिंग, माता जी की और मेरी अच्छी हैंड राइटिंग, पिताजी की मोती। अच्छा, वाह, कॉपी में मोती उतारता है वो आदमी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। वाह वाह वाह। तो मुझे भी था कि अच्छा, एक इन्फ्रॉटी ये था कि भाई हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उस पर अगले मैंने कोई मेहनत नहीं करी। मेरे पिताजी ने बस एक बार बोला कि अगर सुंदर लिखेगा तो खुद से ही मन करेगा लिखने का, तो कोशिश करके सुंदर लिखे, लिखना शुरू किया सुंदर, तो फिर हैंड राइटिंग भी अच्छी हो गई। तो अब मतलब कोई मुझे ऐसे ही रैंडम कोई ऑटोग्राफ मांगता है और मैं उस पर कुछ लिखता हूँ मतलब, तो उसका पहली बात यही होता है कि सर आपके हैंड राइटिंग अच्छे। मैं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, मैं कॉमेडियन का मतलब ये थोड़े ना है, मैं कल ही उठ के बन गया। तो वो फिर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो गया। फिर स्कूल चेंज किया, मेजरली जो ख़त्म हुआ हुआ 8th क्लास में, जब मैंने कहा कि पिताजी थोड़ा स्कूल चेंज करते हैं, यहाँ ग्रोथ सी नहीं नज़र आ रही है, इतनी फ्रीडम थी, ऐसा कुछ भी बोलो। अच्छा, कुछ भी बोलो जो मन में आए, खराब बातें बोलते ही नहीं थे क्योंकि ऐसा कुछ थी ही नहीं मन में, बट यू कैन डिस्कस एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टिल डेट। तो मैंने कहा बताइए अच्छे स्कूल में भेजो ना किसी में, तो अब फीस के पंगे होते थे। तो उस आदमी ने मतलब लगाओ, मम्मी ने भी पापा ने भी, हमें तो बड़े होकर पता चला, दीदी वगैरह को पहले से पता होगा, वो ज़्यादा समझदार हैं ही ऑब्वियसली, लड़कियाँ वैसे ही समझदार होती हैं, लड़कों को बुद्धि पता नहीं कि 45 के बाद तो रियलाइज़ होता है कि कुछ करना है। इन लोगों पे कितनी बार पैसे बिल्कुल नहीं होते थे, ये लोग उधार ले लेके फीस दे रहे हैं कुछ दे रहे हैं, मतलब आप यकीन मानो सर, 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक कॉलेज में है, एक HPTI कानपुर गए, एक दूसरी दीदी मेरी मुरादाबाद में होम्योपैथी पढ़ने गई, मैं स्कूल में 12वीं तक, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 साल रहा, फिर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ गया। इस पूरे खर्चे में उनके पास, मुझे पता है बहुत टाइम पैसा नहीं होता था, उन्होंने कभी एक बार हमें रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये पैसा नहीं है, ये है। कॉलेज में मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्हें पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उन्हें पता है मुझे पार्टी करनी है, मैं पॉकेट मनी के ऊपर 2000 रुपये मांग रहा हूँ, फालतू बोल के मेरे से ये हो गया, उन्हें पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगले दिन 2000 रुपये आएंगे, 5000 रुपये मांगे 5000 रुपये आएंगे। तो वो उनकी ब्यूटी थी कि उनसे कुछ भी बोल सकते हो। जब 8th तो मैंने उनसे बोला कि स्कूल चेंज करना है, तो जितने हक से मैंने बोला चेंज करने, उतने हक से उन्होंने बोला कि दीवान पब्लिक स्कूल बेस्ट स्कूल है मेरठ का, वहाँ एडमिशन कराएंगे अगर उनका एंट्रेंस पेपर निकाल लोगे तो। अच्छा, तुक्के से उस साल वो लोग अलग सेक्शन बना रहे थे, 8th F तक था, 8th G बना रहे थे, तो 50 बच्चों का सेक्शन होना था। उस एंट्रेंस एग्जाम का सर मतलब क्रेज तो IIT वाला ही था उसका। अच्छा, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 400-500 बच्चों ने दिया होगा, 400-500 है ना, ऑफकोर्स सेक्शन जिसमें एंट्रेंस पेपर हो रहा है प्रॉपर। तो उसमें जब एडमिशन हो गया, कुछ मेरी कज़न है रीना, उसी के साथ पढ़ा हूँ मैं 12वीं तक सब, चाची के घर में जब रहते थे तो चाची की बेटी है रीना, उसके साथ वो उसकी कुछ 3rd रैंक आई, मेरी शायद कुछ 6th-7th मतलब अच्छे रैंक में आ गए, वो हमारा एडमिशन हो गया। तब बिल्कुल वो ख़त्म हो गया कि भाई हम आ गए मेरठ के सबसे एलीट स्कूल में और एंट्रेंस निकाल गए, हम वो वाले नहीं हैं जिसने फर्स्ट में एडमिशन लिया तो रात तक पढ़ रहे हैं। तो हम 8th के बाकी 6 सेक्शंस को इन्फीरियर मानने लगे कि हटो हम हैं जो एक्चुअली आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने दीवान को ऐसा बैकग्राउंड ऐसा आया था जैसे आप अब रेज्यूमे बोल सकते हो, सोचो स्कूल में कंपटीशन में बोल रहा था कितना है कि अब मुझे पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स मंगाए कि अच्छा क्या करके आए हो दिखाओ, सर्टिफिकेट चेक हुए मेरे कि अच्छा आपके ये हैं ये है। मुझे 8th में फिर दीवान में बैच मिला, मैं गांधी हाउस का प्रीफेक्ट बना, प्रीफेक्ट या कैप्टन पता नहीं क्या बनते थे उस टाइम पर, वो बना। नया बच्चा आते ही
एक हाउस का वो मिल गया है. बस फिर मैंने फिर वहाँ पे भी कभी बैच नहीं छोड़ा. मैं एनुअल फंक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर भगत सिंह, मैं भगत सिंह बना मैं, और जितने एथलेटिक्स में जो जो होता था वो करा. एक्स्ट्रा कुलर में ज़्यादा रहा, पढ़ाई अपना साइड बाइड कर लेते थे कि चलो हो जाएगी, इसमें क्या है. मुझे ऐसा पता है, मुझे अभी भी लगता है कुछ इतना कोर्स है नहीं. एक साल का वो कोर्स ही नहीं है जो आप पढ़ाते रहते. जल्दी से पढ़ा के ख़त्म करो ना, भेज दो ना पिक्चर देखने इसको. इसे एक महीना पिक्चर दिखा दो, कम से कम कुछ तो सीख के आएगा पिक्चर देख के भी. ऐसा थोड़ी नहीं सीखेगा. तो वो सब पढ़ता हर बच्चा आखिरी रात ही है, दो रात पहले से पढ़ के सिलेबस पूरा होता है. तो वो वाली चीज़ थी, बस ऐसे ही निकल गया. फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी आया नहीं, शायद इसीलिए अभी भी स्टेज पे जाके कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टेज फियर है ही नहीं, स्टेज अवेयरनेस है, फियर नहीं है. तो ये डिफरेंस है. वाह, चलिए थोड़ा विराम लेते हैं. हाँ जी, लोकेशन चेंज करेंगे हम. बहुत अच्छा खाना खा लिया. मैंने लास्ट इतना अच्छा खाना मैंने अपने घर पे खाया हुआ गांव में, मम्मी से बनवा के कि साग बना दो, कढ़ी बना दो. ये होता है हमारा, वो कि मम्मी जैसी जाने वाला तो यहाँ से मम्मी पहले पूछ लेती है क्या खाओगे आज. तो दो या तीन मील तैयार हो जाती है. घर में सब वेजिटेरियन है? हाँ, मतलब अंडा खा लेते थे पापा. हाँ, फिर पता नहीं माता जी को कहाँ से लगा कि ये भी नहीं खाना है. अच्छा, तो बनता था पहले घर में ऑमलेट, ऑमलेट बनता था मस्त सर्दियों में, पर फिर मम्मी ने मना कर दिया कि तो वो सीधा वो देती है ना, जजमेंट देती है ना वो तो. हाँ, एकदम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो कि आज से रसोई ही अलग हो जाएगी अगर. अरे रसोई कहाँ से अलग कर देंगे, तो बर्तन अलग हो गए, रसोई अलग हो गई. दो तीन साल तो फिर पापा ने नहीं खाए, फिर उन्होंने कर लिया कन्विंस. मम्मी को जो भी मम्मी ने जहाँ से सीखा होगा, फिर उनका हल्का पड़ गया थोड़ा, तो बना लो तो बर्तन अलग कर लो, रसोई सेम कर लो. हो सकता है थोड़े टाइम बाद बर्तन भी सेम हो जाए. तो स्कूल हो गया तब क्या सोचा था आगे की लाइफ का? कुछ भी नहीं सोचा था सर, क्योंकि पेपर तो सब रट्टा मार के दिए थे. एज आई सेड कि ह्यूमैनिटीज लेता तो शायद पता होता क्या करना है. तो अब ट्वेल्थ में परसेंटेज आई 86, तो बाकी पेपर दिए, IIT भी दिया, AIEEE भी दिया. कहीं कुछ होना नहीं था, पता था पेपर देते थे पता था आपको. ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पेपर देते हो पता नहीं चलता कि पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हो रहा. सबको पता है आपको आंसर आता नहीं आता है, आप तुक्का मार रहे हो. तो वो सब दिया. ये फादर की इच्छा थी या घर वालों की इच्छा? तो इंजीनियरिंग वैसी थी ना उस टाइम पे, राइट, 2000 करेक्ट 4 से लेके 2012 तक तो सबको इंजीनियरिंग करनी थी ना. तो दीदी इंजीनियर छोटी वैली पे, तो वो तो मेडिकल थी, तो इंजीनियर डॉक्टर. तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर बन जाओ तुम, भी साइंस वाले हो. तो मेरा मन था आर्मी में जाने का. अच्छा? मेरे मुझे वर्दी से बहुत प्यार है, मुझे बस ये था कि मुझे वर्दी चाहिए कैसी भी चाहिए. ये कहाँ से है? पता नहीं, शायद दादाजी की फ़ोटो देख के आया हो. दादाजी पुलिस में थे? हाँ करेक्ट. तो शायद उनकी फ़ोटो देख के आया हो, या फिर एक उनकी एक इंस्पेक्टर वाली कैप रखी रहती थी घर में, शायद उसे देख के आया हो, पता नहीं मुझे. पर वो था कि एकदम आर्मी में जाना है, वो वर्दी मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे. NDA का पेपर 20 अप्रैल, NDA का पेपर और UPTO का पेपर सेम डे हो रहा था. मैं घर वाले से कहा NDA का रिटर्न दूंगा, मैंने कहा UPTO का रिटर्न दूंगा. तो मुझे था कि NDA में शायद हो जाए एक बार को, UPTO में तो नहीं हो रहा मुझे पता है.
तो मैंने यू पी टी ओ का पेपर दिया, फिर उनके बोलने पे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कहीं भी इंजीनियरिंग में। अब समझ में आ गया कि अब कुछ खास बचा नहीं है, बस परसेंटेज पे खेल सकते हैं जो खेल सकते हैं, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बचा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके ग्रेजुएशन कर लेते हैं। घर वालों को बोल दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, अब वहाँ कोर्स नहीं पता कि कौन सा कोर्स करने जाएंगे, इंटरेस्ट थोड़ा ना किसी भी कोर्स में अभी तक। तो सब रट्टा मार के पेपर दिया, तीन चार जगह पर अप्लाई किया। मुझे क्रोडीमल कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन मिला। मेरे बोर्ड्स में केमिस्ट्री में आए थे कुछ 93-94 ऐसे कुछ। तो केमिस्ट्री तो स्ट्रांग है अपनी, केमिस्ट्री ऑनर्स में कोर्स भी ले लिया एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। ये मजाक नहीं चल रहा है, जो हमने वो जो रट्टा मारे ना, मैंने 30-30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा, उसमें भी हमारे एक प्रोफेसर नहीं स्कूल में टीचर थे हमारे, जिन्होंने मुझे, मैं प्री बोर्ड से फेल हो गया था केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, तो फेल क्या हो गया था, पेपर इंटरेस्ट नहीं था तो मन ही नहीं कर रहा था। राइट। और मुझे था बोर्ड्स में, बोर्ड्स का पेपर में मेहनत करके देंगे ना, प्री बोर्ड्स कहाँ लेके जाएंगे उसको। थैंक यू भाई। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम जिंदगी में कभी बोर्ड्स में पास नहीं हो पाओगे। मैंने कहा सर मैं पढ़ा नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैं पढ़ता नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कहा पढ़ लूँगा बोर्ड से पहले। उन्होंने क्लास के सामने खूब सुनाई मुझे। अच्छा। उस टाइम हमारी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अच्छा। उनके सामने सुनना अच्छा नहीं लगता था ईगो को ऐसे कैसे बोल रहे हो हमें। उस चक्कर में मैं लाया था ये 93-94 ये उस टाइम ये टुटका अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था में आ जाए गर्लफ्रेंडों के सामने डांटना नहीं, दिक्कत ये नहीं थी गर्लफ्रेंड के सामने डांटा, दिक्कत ये कि गर्लफ्रेंड भी तो डांटेगी ना बाद में कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी एक प्रॉब्लम थी। और वो काफ़ी होशियार थी पढ़ाई वढ़ाई में, तो जो बच्चे बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ पे ब्लिंकर्स लगा बुक्स लगा के चलते सामने ऐसे दिखे, वो वाला सीन था। वो मार्क्स आके फिर डी यू में जब केमिस्ट्री ऑनर्स में दे दिया एडमिशन, वहाँ लैब वैब में जाना पड़ता था, तो लगा कि यार तो नहीं आ रहा समझ कुछ। दूसरी चीज़ मिल गई, साइड चीज़ करने को मिल गई, पॉलिटिक्स। अच्छा। मैंने कहा राजनीति में घुसते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ा शौक है मुझे हमेशा से राजनीति करने का। बन गए जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। मिस्टर फ्रेशर बन गए। मिस्टर फ्रेशर क्या होता है? जाते ही एक होता है ना, सब बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन से करा देते हैं। अच्छा। हाँ, सब बच्चों को मैं बताते हैं कि ये वाला सबसे बड़ा नमूना है तुम्हारे बैच में। मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था ना, क्योंकि मैं कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का टॉपर था, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन सज्जन ने कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना था तो उन्होंने तवज्जो नहीं दिया तो उनके रजिस्टर में ना मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ही, आई डिडंट एग्जिस्ट, मतलब मैं इतना बेआबरू होके निकला हूँ वहाँ से। मैम ने तो सुना ही नहीं है, इनकी खुद की होगी तभी टॉप किया ना। अरे यार। तो जी वो बन गए मिस्टर फ्रेशर। मेरे सीनियर ये बैच में जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ उठना बैठना हो गया, सब हो गया। एक फेस्ट हुआ क्रोडीमल कॉलेज में, उस फेस्ट की होस्टिंग मिली मुझे। अच्छा। वो आ रहे थे, आर्यन बैंड आ रहा था, जो राजेश रोशन साहब थे शायद उसमें। आर्यन बैंड के डी जे नारायण हमारे दोस्त हैं। क्या नाम है? डी जे नारायण। अच्छा, मुझे उनके नाम नहीं याद। हाँ, थे पर वही राजेश रोशन साहब हैं शायद। अच्छा। ये जो भी उनका बैंड है वो बैंड आया था परफॉर्म करने। उनकी होस्टिंग होस्टिंग की, तो मुझे था कि होस्टिंग करूँगा मैं, ऐसे माइक पर जाके बोलूँगा इतने बच्चों के सामने ऐसे ये, और पता है नहीं क्या बोलते हैं होस्टिंग में। क्या ये पहली बार था माइक के सामने? नहीं नहीं, माइक पर तो जैसे स्कूल में तो करा ही सब कुछ। हाँ। स्कूल से बाहर आने के बाद अब right. ये अब इनफॉर्मल हो गया। पहले सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको, टीचर्स आर वॉचिंग, तो आपको वही करना है जो बताया गया, रिहर्सड है वो। ये तो रैंडमली बोल दिया ये लो माइक जाओ होस्टिंग कर लो। तो मैं क्या करना होता होस्टिंग में, इसको इंट्रोड्यूस कर देना, ये आके बच्चा डांस कर देगा, ये तो सब अपना टैलेंट ले लेके आते ना, मैं पोएम सुनाता हूँ, मैं डांस कर दूंगा, मैं गाना गा दूँ, मैं गिटार बजा दूंगा, ऐसे करा चार पाँच। कुछ नहीं बोला मैंने पूरी होस्टिंग में, मैं जाता था स्टेज में बोलता था कम ऑन केएमसी, ताली बजाता था, मैं बोलता था प्लीज वेलकम नेक्स्ट एक्ट, को बुला के खड़ा कर देता था जो आता है कर ले। ऐसे मैंने पूरी रात बिता दी वो करके, आर्यन बैंड को इंट्रोड्यूस कर गया था। तो ये मोटा मोटा मुझे, मैंने केएमसी में ये सब कर रहा था। अच्छा। पढ़ाई नहीं करी मैंने, मैं लैब नहीं गया। अच्छा। मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करते हुए, ऑनर्स करते हुए मैं लैब नहीं जाता था। शाबाश। अटेंडेंस मिल रही थी, पॉलिटिक्स की मिलती थी कुछ तो 30% शायद से कुछ। अच्छा। तो अटेंडेंस वहाँ से मिल रही थी,
एक साल में जो समझ में आ गया कि मुझे केमिस्ट्री तो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो टफ लग रहा है बहुत। मोपेड हाँ, मेरे शो में जोक है इसके ऊपर, तभी तो देख रहा था कि और कोई जोक आ सकता है क्या। तो क्या जोक है? पूरा आधे घंटे का शो है मेरे पास थी है। अच्छा, उसकी बड़ी बहन आती थी ना हीरो पुक, वो थी मेरे पास। मेरे पास कहते दीदी की थी तो मैं चलाता था उसको। तो जी फिर जब समझ में आ गया केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा तो मैं करते हैं कुछ और करते हैं। पेपर वेपर पूछे क्या पेपर आए हैं नहीं। मेरा एक फ्रेंड इधर आया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिगरी हमारा दोस्त प्रत्युष, तो वो उसका सिलेक्शन हुआ था इसमें। तो उसे लॉ करनी थी, जाना उसे भी आर्मी में ही था, उसने भी एसएसबी दिए थे, उसके हुआ नहीं था। तो उसने कहा मैं लॉ करूँगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या होता है लॉ में, क्या सिस्टम है, तो पढ़ाई है ज़्यादा है क्या, कॉलेज कैसा है? तो उसने कहा कि ना एक भी हर्फ पढ़ना है, ना कोई मुश्किल पढ़ाई है, एक पेपर है, एक किताब भेज रहा हूँ, यूनिवर्सल की गाइड आती है, इस किताब को चाट ले। हाँ। आ जा। हाँ। मैंने कहा ये तो ठीक लग रहा है, बस पहुँच गया लखनऊ। आ जाके मैंने देखा कि ये तो मेरे जोक में भी है कि 5 साल का हॉलीडे पैकेज है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं कुछ नहीं है, आखिर दिन पढ़ेंगे पेपर दे देंगे। बस ऐसे लॉ कर ली सर, सारा पढ़ लिया अपना, 5 सेमेस्टर ख़त्म करे, वो 10 सेमेस्टर ख़त्म करे, वापस दिल्ली पहुँच गए। और क्या किया उन 5 सालों में? उन 5 सालों में लखनऊ में मोहब्बत थोड़े दिन इश्क किया, मुझे बहुत मोहब्बत होती है। अच्छा, बहुत। पहली बार कब हुई? पहली बार 8वीं क्लास में हुई, उसी लड़की से जो हम बोल रहे हैं जिसने डांट खाई, उसी लड़की से। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई। सामने वाले को पता था कि आप ही को पता था? नहीं नहीं पता था, सबको पता था, सबको पता, आसपास के स्कूलों को पता। मैं सिर्फ अपनी मम्मी के सामने शरीफ बन के रहा हूँ। अच्छा। 9th, 10th, 11th, 12th मैं बहुत कांडी लड़कों में से हूँ कि वो नहीं होते जो बिल्कुल लास्ट में जब कोई आता है तो पलट के खड़े हो जाते हैं कि सर ये एक मतलब ये सब ठीक है यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया था टाइम से, मैंने बचा लिया। मैं वो वाला लड़का हूँ कि मैं होऊंगा उस पूरे काम में होऊंगा, लेकिन मैं सबको ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने सब ठीक करने आया था, मैं इन्वॉल्व नहीं था इसमें। तो रात को निकल के बन मक्खन चाय, आशियाना में था हमारा कॉलेज। अच्छा, नहीं हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के चौराहे पे जाते थे, हमारा अड्डा था। हमारा आशियाना कॉलेज, आशियाना में कॉलेज था, आशियाना लखनऊ का नया पार्ट है, तो वहाँ सिर्फ हमारा ही कॉलेज था उस टाइम। अच्छा, तो हमारा ही था, लॉ कॉलेज का ही था सब कुछ। थाने वाले को पता था सारे लॉ कॉलेज के लड़के हैं, उन्हें वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि हमारे ऊपर के बैच तो बहुत ही कांडी थे, हम तो फिर भी बहुत शरीफ थे उनके सामने। प्लेसमेंट में नहीं बैठे, तो एक तो प्लेसमेंट वैसे ही नहीं आ रही थी, कॉलेज में कमी आती, नई यूनिवर्सिटी थी, तो आई वॉज द 5th बैच यूनिवर्सिटी। तो 3 लोग हम 3 दोस्त, हमने ऐसे डिसाइड किया कि एक तो क्या था ना कि प्लेसमेंट के लिए पहले फोटोग्राफ की जानी थी, हमें जाना था वहाँ तक कैंपस में, तो हमारे एडमिन ब्लॉक तक जाना था, वहाँ जाके फोटो करानी थी ड्रेस में, वाइट शर्ट, ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई, इसमें हमें फ़ोटोज़ करानी थी। बाल बड़े बड़े हो रखे थे, बहुत दिन से कटाए नहीं थे, जैसे तैसे उन्हें एडजस्ट करा, किसी से शर्ट मांगी, शायद 2 ही टाई थी कि सब में बैठ जाएंगे, जिसका जब नंबर आएगा वो लगा के चला जाएगा अंदर। सूट किसी का पता नहीं, कोट किसका, पैंट किसकी, ब्लैक सॉक्स भी नहीं। अरे भाई, अरे मुझे बता क्या यार। तो ये सब पूरा अब प्लेसमेंट के लाइन में लगे फोटो वोटो कराने के लिए, अब बहुत डीले हो रहा था प्रोसेस। हमें ये था कि नौकरी देनी है तो फटाफट दो, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है वेस्ट करने। तो हम 3 दोस्त सबसे पहले गए लाइन में लगे, मैं अंदर गया, मैंने उसकी लाइट चेक करवाई। अच्छा, कैमरामैन की। मैं क्या, मैं बैठ रहा हूँ, मेरे से लाइट चेक कर लो, सब बच्चों की फोटो अच्छी आ जाएगी, ठीक है, और इसी लाइट चेक में जो आप मेरी फोटो खींचोगे वही लगा देना मेरे उसको। उन्होंने उनकी लाइट वाइट चेक हुई और मैं उठ के चला गया। फिर वो दोनों आए, तीसरे जो हमारे दोस्त, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। तीसरे जो आए, उन्होंने आके, वो तो जीन्स और वाइट शर्ट पहन के आए थे, वही वही, तो उन्होंने देखा सब ड्रेस में आया, तो उन्होंने कहा रहन देते, इतना भी ज़रूरी नहीं है प्लेसमेंट। और जो तीसरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हो गई फोटो? मैंने कहा मेरी हो गई, इसकी नहीं हुई। हाँ ठीक है, फिर बाद में देखते हैं, आके कराते हैं। हम तीनों निकले कॉलेज के गेट से बाहर, रात को वापस आए, तो प्लेसमेंट की जो हमारी ब्रोशर थी उसमें हमारे फोटो ही नहीं थे।
हमारे नाम लिखे हुए थे। देखो इस बात पे हमें कोई भी लॉ फर्म हमें इस बात पे तो नहीं बुला रही है यहाँ पे कि ये जो प्लेसमेंट में आके फोटो नहीं खिंचा रहे वो कोर्ट जरूर जाने वाले हैं हमारे कहने से। तो खैर वहाँ भी प्लेसमेंट में नहीं बैठे, तब तक हमें पता चल चुका था हमारी सिस्टर तब तक सेलेक्ट हो चुकी थी UPSC में। तो हमें लगा कि वर्दी तो IPS बन गई मिल सकती है, तो अब IPS बना जाएगा। UPSC की तैयारी। वो किस स्ट्रीम में सेलेक्ट हुई? वो IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। राइट, तो वो वहाँ सेलेक्ट हो गए। हमने कहा IPS बनेंगे, अब दिल्ली आए वापस। वही जो मित्र साथ में थे उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, हमने अपनी कर दी। सर हम पाँच छः ही आए, सारे IAS बनने आ गए हम। क्या सारे IAS बन जाएंगे, सब UPSC की तैयारी करेंगे। कुछ सीनियर्स हमारे पिछले साल जिन्हें एक साल पुराना जो चल रहा था वो भी हमें वहीं मिले। अच्छा, वो भी करी रहे थे। जिनका चार साल पुराना चल रहा था वो भी हमें वहीं मिले। तो सभी हमें दिल्ली में मिले, उन्होंने कहा सब यहीं तो है, कुछ नहीं कर रहा है, सब IAS बनने वाले, सब IAS बनेंगे बस। फिर इन्होंने फिर हमने तैयारी वारी करी बस। फिर क्या हुआ थोड़ी वहाँ भी यही करा कि बस सोचते रहते थे कि हाँ कल से पक्का। पेरेंट्स की ओर से कुछ था एक्सपेक्टेशन, कोई दबाव? हाँ, उन्होंने तो ना यही था कि कुछ तो कर ही लो लाइफ में, प्लस जब लॉ कर रहे थे तो उन्हें था कि भाई प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे। आई वॉज वेरी क्लियर कि प्रैक्टिस नहीं करनी मुझे। अच्छा, नहीं मेरे बस की नहीं है रोज धूप में चक्कर काटना और वो सब, मतलब जो वकालत के प्रॉपर ट्रेड, बिकॉज आपको वकालत में जाके पता चलता है ना कि वो जो बॉलीवुड दिखा रहा है ऐसी नहीं हो रही वकालत। उसमें बहुत स्ट्रगल है, शुरू के दो तीन साल तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता आपको क्या चल रहा है। बैकग्राउंड कुछ है नहीं हमारा, कोई किसी को हम जानते नहीं दिल्ली में कि हम आके बोल दें कि चाचा जी हमें सिखा दो कुछ कर दो। तो मैं कहा यार वकालत नहीं करेंगे, काम तो कुछ बड़ा ही करेंगे, तो पूरा कॉलेज ही करेगा वकालत, तो हम कुछ बड़ा काम करें, ऐसे तो नहीं कर सकते हम सब सेम कैसे हो सकते हैं। तो मैं हवाबाजी में रहता दिमाग बहुत ज़्यादा। छः महीने की तैयारी के बाद मुझे लग गए गुलजार साहब मेरे हाथ। अच्छा, रावी पार किताब मिल गई कहीं से, तो रावी पार मिली थी या पता नहीं कौन सी मिली थी। हाँ। नहीं रावी पार तो मैंने बाद में पढ़ी, बात कोई से तो किताब मिल गई थी मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत शानदार चीज़ है, जो ये सारा टाइम फिर मेरा उन्हें पढ़ने में जाता था। पीयूष मिश्रा साहब की किताब शायद उसी साल आई थी, उससे अगले साल आई होगी उनकी किताब। फिर तो मैंने कहा बस अब तो यही पढ़ा जाएगा, यही लिखा जाएगा। फिर मुझे लगा कि देखो अब ऐसा है, ये सब पढ़ के लग रहा है कि शायर तो मैं हूँ। ये सब पढ़ के लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखा, अच्छा बहुत वाहियात लिखा। तो रात को तो अच्छा लगता था, सुबह उठ के पढ़ने का क्या लिखा है इसका क्या मतलब। ना ये कहानी कहीं जा रही है, ना कोई मतलब था इस कैरेक्टर का, कुछ सेंस नहीं थी ना कुछ मतलब पढ़ाई ऐसे। मुझे एकदम से लगता है कि मैं भी कर दूंगा, बचपन में क्रिकेट में लगता था कि मैं तो बॉलर बन ही जाऊंगा कुछ नहीं। तो जी फिर सारा आधा दिमाग उसी में रह गया, इस चक्कर में तैयारी भी नहीं हुई, दो साल तक ही करते रहे बस। फिर घर वालों को समझ में आ गया था वैसे तो कि नहीं होना। फिर ये भी था टेंशन, UPPCS नहीं देंगे, देंगे UPSC निकाल बनेंगे IPSC। अच्छा, स्टेट स्टेट में नहीं जाएंगे, बड़ा काम है। पता नहीं क्या दिमाग था पागलपन। अब सोच के लगता है कि अगर ये बाई चांस ना हुआ होता तो मैं शायद आप मेरे खेत में बैठे होते और मैं कुछ कर रहा होता। कसम से पता नहीं क्या दिमाग सोचता रहता था। अब तक उम्र कितनी हो गई होगी? 24। शादी का कोई दबाव था? दबाव ऐसा सच नहीं है, देखो दबाव तो पिछले 3 साल में माँ बाप ने ढंग से बोलना शुरू करा होगा, क्योंकि उससे पहले तो कौन ही लड़की दे देता। जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं सपूत हमारे, तो क्या जाके बोले इन्हें पीटने आ जाओ। क्या बोलेंगे उनको जाके, तो बोला ही नहीं कुछ खास। तो अब पिछले 3 साल से बोल रहे हैं कर लो, तो कोविड ने बचा ली 2 साल तो। मेरी इच्छा नहीं है करने की अभी, पर है उनका है कि जल्दी से कर लो ये कर लो, मेरा है कि कर लेंगे यार। मैं अमृता प्रीतम जी की भी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन थी कि पति बनने से पहले प्रेमी बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये लाइन बहुत अच्छी लग गई है, पहले प्रेमी बना जाएगा।
किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, अमृता प्रीतम जी की किताब में लिखा है, और प्रेमी उनसे ज्यादा बेहतर कौन बताएगा बनना। मैंने कहा तो बस पहले प्रेमी बना जाएगा फिर हम पति बनेंगे, तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा मेरी मेरी माँ को मैं समझा तो सकता नहीं तो। पर ये ऐसे से मेरे ऐसे से ख्याल है, मैं ऐसे ऐसे पलट जाता हूँ, मेरे जिंदगी के थॉट बदल जाते हैं, मेरे ऐसे से एक लाइन अच्छी लग जाती है तो। रेस्टोरेंट भी खुला बीच में एक। अच्छा, वो कब? एक दोस्त हुआ करते थे हमारे, उन्होंने बोला कि भाई क्यों ना हम रेस्टोरेंट ही खोल लें, उनका भी नहीं हो रहा था, उन्होंने भी तैयारी की थी। रेस्टोरेंट ही खोल लेते हैं, दीदी से बोला दीदी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, दीदी ने बोला कि खोल लेगा, पेरेंट्स को नहीं बताया उसके बारे में। अच्छा, ऐसे करते करते अपने तीन चार महीने वहाँ वेस्ट किए। अच्छा, फिर वो भी बंद हो गया। उस वो टाइम था मेरी लाइफ जब मुझे लगा कि यार मैं हो गया हूँ फेल। अच्छा, अब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन। तो फिर मैं बहुत लो में रहा उस टाइम पे, मैं बहुत दिन रोया भी बहुत, फिर काफ़ी दिनों में ठीक ठाक हो गए, 5-6 महीने टाइप्स में मुझे लगा कि अब मैं अपने इसको वही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ले आएगा मुझे गाने से, नहीं कोई बात नहीं अब हम इस पर लिखना चालू कर लेते हैं, मैं अब अच्छा बहुत अच्छा ये बनूंगा शायर, शायर बनूंगा वापस से, ठीक है शायर क्या कहते हैं इनको, शॉर्ट स्टोरीज ये सब ये सब। उस टाइम में पढ़ी भी बहुत, उस टाइम पे लिखनी चालू कर दी। और कोई था अब मन की बातें बताने को? बताता हूँ, फेसबुक पे पेज बनाया गया एक, अच्छा, डेड पोएट्स जेस्चर नाम का, अच्छा, खुद ही बनाया। उस पे 5-6 नज़में हमने डाली। ओके, हमें नहीं पता नज़्म और गज़ल में फ़र्क क्या होता है, हमने बस दो वर्ड सुने थे उस टाइम, तो हमने कहा ये तो अजीब सी लग रही है, इसमें तो रिदम नहीं है, तो ये नज़्म हो जाएगी। तो हमने कहा कि नज़्म लिखेंगे, हमने 5-6 नज़में डाली, उसमें से एक अच्छी थी क्योंकि वो हमारी दादी गुजरी थी तभी तभी, तो मैंने कहा ये तो दादी के ऊपर लिखी थी, एक अम्मा नाम था उसका, अम्मा बोलते थे हम दादी को, है कहीं तो ढूंढनी पड़ेगी, हो सकती है ढूंढ लेंगे। तो वो मैंने फिर वो ढंग की लगती थी मैं क्योंकि वो इमोशनली बहुत वो तो अम्मा की याद आती थी तो हो जाता था, तो बस वो अच्छी थी। बाकी जो 5-6 लिखी हैं तो मेरे सारे दोस्तों ने कॉलेज वालों ने मुझे अंदर ही अंदर पागल डिक्लेयर कर दिया पागल ये क्या लिखता रहता है, अलग से पेज बना के फॉलो भी कर लिया हमने बिना बात। तो फिर लगा कि चलो भाई अब बड़ा नहीं करना लाइफ में, अब चुपचाप नौकरी पे चलते हैं, जैसे ये दुनिया जाती है वैसे तुम भी उठ के चलो, तुम कोई अलग आदमी नहीं हो, तुम्हारे मन में तुम अलग आदमी हो, तुम हो नहीं, चुपचाप अपना बस्ता उठाओ नौकरी करो, 30-35 हज़ार रुपये आ जाएंगे, महीने का खर्चा ऐसे ही निकल जाएगा जैसे दुनिया का निकलता है। करी जी फिर प्रैक्टिस करी। अच्छा, हाँ, लॉ में वापस? लॉ में वापस। ओके, फिर प्रैक्टिस करी। वो कैसा था एक्सपीरियंस? आते नहीं था कुछ, जो आता था वो तैयारी करने के टाइम भूल गए, तो सीखता था रोज, पूछता था सर से कि सर बताओ इसमें क्या करना है। आर्ग्यू किया? आर्ग्यू करने को नहीं देते कोई भी, सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे हमारे सीनियर। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रिपेयर करते हैं? नहीं, वो प्रैक्टिस करते थे वो लोग, तो उनके जूनियर थे, मैं उनके नीचे था, तो केस को प्रिपेयर करने में जो भी हेल्प होगी। शुरू में तो मैं वही सब करता था कि जाके वॉक ओवर ले लो, अच्छा, सॉरी फिर से वॉक ओवर बोल दिया मैंने, पास ओवर ले लो, मैंने कोर्ट में वॉक ओवर बोल दिया था गलती से, जाके पास ओवर ले लो। और फिर करी हमने स्टार्टअप में जॉब, वो स्टार्टअप जो था वो थ्रू वाया वाया मेरे पास पहुंचा, और अपने आप ही नहीं आती कोई चीज़ की, अपने आप ही आ जाती है आपके पास कोई चीज़। उनसे मैंने बात बात करी कि हाँ जी डेस्क जॉब थी, लॉयर्स के बीच का ही काम था, तो मैंने कहा कर दूंगा जी हो जाएगा। उन्होंने कहा हम आपको 35,000 तक दे देंगे, तक का 35,000 दे देंगे बेसिकली। तो मैंने कहा मैं सब कुछ कर दूंगा आपके लिए जो आप कहो, 35,000 रुपये दे दोगे आप मुझे? मैंने कहा दे दो यार, मतलब मैं तो पूरे दिल्ली संभाल लूँगा तुम्हारी, जो मैं स्टार्टअप तुम्हारा संभाल लूँगा, और बताओ क्या करना है, तुम्हारी गाड़ी वाड़ी सुबह साफ़ करूँगा, जो कहोगे कर दूँगा। फिर अब तब तक दोस्तों के साथ ही रह रहे थे फ्लैट लेके, फिर इंडिपेंडेंट हुआ, फिर 35,000 की गर्मी थी, बड़े आदमी हो गए ना, फिर वापस से एकदम से हो गया ना मैं आ गया, इट्स माय डे, बैक इन द गेम, बैक इन द गेम। पता नहीं बुद्धि थी नहीं क्या करते रहते थे यार। ये करता क्या था स्टार्टअप? ये स्टार्टअप बेसिकली
जैसे प्रैक्टो डॉक्टर्स के लिए है ना, ऐसे लॉयर्स के लिए, लॉयर्स के लिए. ओके. तो सर फिर हमने, बड़ा फनी था यार, मुझे कॉल्स आते थे केस के, तो मुझे मेरा काम बेसिकली ये था कि मैं किस एरिया से कॉल आएगा मुझे, मुझे उनका केस सुनना है. अच्छा. और फिर उनके बजट में बेस्ट पॉसिबल लॉयर उठा के उन्हें आपस में कनेक्ट करा के फिर उनकी जो भी डेट्स आएंगी मुझे उनसे बात करनी है कि भाई क्या रहा उस डेट पे, क्या है. ओके. और भाई अपने तुम ये पेपर्स हमारे वकील साहब के वहाँ भेजो, फलानी जगह घर है उनका. मैं मीडिएटर था उनके बीच का. काम मुझे इंटरेस्टिंग भी बहुत लगा था, मैंने कहा मज़ा आएगा. फिर आने लगे मुझे फ़ोन, क्या शानदार फ़ोन आते थे मुझे. ऐसे रैंडमली फ़ोन बजाया कि हेलो वकील साहब, मार रहा है मुझे बहुत ज़्यादा ये. मैंने कहा अरे मेरे से क्या मतलब है, कैसी बात बोल कर फ़ोन रख दिया. मैं वापस फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा. मैंने कहा कौन से शहर में किसने किसको पीटा है, मुझे क्यों पता चल रहा था. फिर ऐसे फ्रॉड भी होते थे उसमें कि हमारे साथ ऐसे साइबर क्राइम हो गया, बताइए साइबर के अच्छा बारे में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या क्या जानते हैं. तो वो चाह रहा था कि वो मुझसे ही ऐसे बात करते करते मेरे ही पैसे लूट ले. तो मैंने उसे बताया कि मेरी पहली सैलरी आई नहीं है, तो मेरे अकाउंट में जाना मत, अब बहुत पछताओगे तुम, कुछ छोड़ के जाओगे, लेके कुछ नहीं जा पाओगे. ऐसे आते रहते थे फोन, फालतू के फोन भी आते थे. अच्छा. ये हमने किया कुछ 3-3.5 महीने, फिर वो वाली नौकरी बंद हो गई. वो स्टार्टअप बंद हो गया. स्टार्टअप बंद हो गया. ओहो. उनकी जो फंडिंग आ रही थी वो आ ही रही थी. बस आने वाली. हाँ, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा सर कहाँ टिक गई है मुझे बता दो, मैं ले आऊँ जाके, कितना कैश है, कहाँ से उठाना है. बंद हो गया स्टार्टअप, वो नौकरी गई. फिर तब तक मैं ओपन माइक्स करने लग गया था. वो कैसे शुरू हुआ? ये इसी स्टार्टअप से पहले मैंने एक वो दी थी गुलजार साहब की किताब के बाद. हाँ, मतलब उसके बाद में वही लिखता तो रहते थे कुछ कुछ. फेसबुक पर मैं फ़नी स्टेटस कुछ भी डाल देता था, कुछ जो लाइन आ गई मन में, फनी आ गया फनी डाल दिया, सीरियस आ गया सीरियस डाल दिया. किसी का शेर अच्छा लग गया तो वो डाल के उसके नीचे उनका नाम लिख दिया. यही फेसबुक स्टेटस होते थे. क्या क्या लिख दोगे फेसबुक पे? तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का फैन था. मैं कॉलेज टाइम्स जब यूट्यूब था हम पे, तब भी हमने मुशायरा भी डिस्कवर किया, स्टैंड अप भी डिस्कवर किया. तब शुरू में जो लोग वायरल हुए थे, जो एक्चुअली वायरल हुए थे, व्हाट्सएप जो वीडियो पे वायरल हुए थे, कि वीडियो जब मोबाइल पे वीडियो से वीडियो जाती थी, ब्लूटूथ से वीडियो जाती थी, वो उसमें वायरल हुए थे. तो वो एक्चुअल वायरलिटी है. इंटरनेट के बाद तो जो हम हुए हैं वो तो है, उसमें वो मजा नहीं है, वो लोग हुए थे एक्चुअल वायरल. तो उनकी वीडियोज देखी थी. तो मुझे ये नहीं पता था, वही छोटी बुद्धि, कि ये दिल्ली गुड़गांव में हो सकता है स्टैंड अप. मुझे लगा ये तो मुंबई में ही होता होगा. अच्छा. क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी लग रही है कि भाई वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड, तो मुंबई में ही होता होगा, क्योंकि मुंबई तो हम सुनते आ रहे हैं ना, ये ऐसी जगह है वैसी जगह है. अब मूवी करके तो पता चला है ना कि मुंबई के लोग भी भक्त तो इसी सरसों के खेत में है ना, जब उन्हें शूट करना होता है वहाँ पर थोड़ी बो रखे उन्होंने सरसों. तो जी फिर हमने ये स्टैंड अप डिस्कवर करना कोशिश करी फेसबुक की, कहाँ है ये, तो पता चला कैनवस लाफ करो गुड़गांव में है. मैंने कहा यही था ये, बिल्कुल यहाँ होता है कि मैंने ये तो कर लेंगे यार, देख के आएंगे. तो पहले सोचा कि देख के आते हैं एक दो शो. फिर वही बुद्धि सन की कि मैं देखने वाला क्यों बनूं. बड़े आदमी करके हम पहले था कि देख लेते, फिर मुझे लगा करके देख लेते हैं. यार क्या हो गया ना, क्या होगा, बेइज्जती तो हो जाएंगे, इतने साल से क्या हो रहा है, बेइज्जती हो रहे हैं रोज. नहीं, 4-5 साल हो गए कॉलेज पास आउट हुए, रोज बेइज्जती हो रहे हैं, कुछ एक पैसा नहीं कमाया, 3 महीने की सैलरी है मुश्किल से. मैंने कहा देखो इज्जत तो कुछ खास है नहीं अब. और साथ के जो लड़के ने वकालत शुरू करी थी कॉलेज से निकलते ही, अब उनकी वकालत जम चुकी है. तो वो भी थोड़े से अपनी फॉर्मल शर्ट अपनी पैंट के अंदर दबाते हैं, और वो भी अगर कहीं मिलते हैं तो ऐसा कर लेते हैं एक बार. है ना. तो पर क्या एहसास जो बीच में कुछ समय हुआ था फेलियर होने का, वो था कि नहीं? मुझे सर पता नहीं, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ तो कर ही लूँगा. जब वहाँ से आके जब हेड बॉय बने ही हैं तो ये भी हो ही जाता होगा कुछ. बस ये नहीं पता था क्या करूं, कहां जाऊं. टैलेंट भी पता था कि है, बुद्धि भी शार्प है, ये भी है, कोई चीज़ सिखाएगा तो सीख भी जाऊंगा. ऐसा बोड़म दिमाग नहीं है कि बस बैठा रहूंगा कि मुझे नहीं आता. मेहनती भी बहुत हूँ, कर लूँगा. तो सारी एनर्जीज हैं, किस चैनल पर जानी है वो नहीं पता है. तो वो बिखरा हुआ है. तो इसलिए बस ये था कि हो तो जाएगा कुछ,
बट जब आपको ये सब पता हो और फिर आपको ना पता हो क्या करना है तो आप ज़्यादा परेशान होते हो। राइट, क्या आपको ये भी पता है कि यार बेसिक स्ट्रेंथ्स पता है, स्ट्रेंथ्स पता है मुझे अपनी, लेकिन रास्ता नहीं पता मुझे अपना, और मुझे फिर तो और ज़्यादा दुख हो रहा है यार अब क्या करूँ मैं, अब तो मतलब बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई ऐसा डिफरेंट पाथ बताने वाला तो है नहीं, सब यही बोलेंगे भाई वकालत करो तुम, क्योंकि अब तक लार्जली एक दिशाहीन सा सफ़र था कि ये भी कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो क्या कोई लोग नहीं थे, कोई जानने वाले या बुज़ुर्ग या कोई कि ऐसे में कोई सीख करता है एडवाइस या हेल्प, या वो खुददारी थी कि अपने दम पे करेंगे? आई थिंक खुददारी तो नहीं, क्या बेवकूफ़ी थी कि अपने दम पे करेंगे, इसीलिए पूरा टाइम दिशा ही नहीं रहा सब कुछ। दूसरा ये था कि ये था कर लेंगे सॉर्ट, फिगर आउट कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। राइट, इतना कुछ नहीं है, सलाह भी ऐसा नहीं, सलाह मांगी नहीं, बहुत लोगों से सलाह मांगी, सलाह मानी नहीं बहुत लोगों ने, खुद से भी दी वो मिली नहीं, तो हमें लगता था कि ऐसे मतलब तुमने तुमने ये तुमने चार दिन के अच्छे हमसे जी लिए तो हमको हमको छोटा दिखाया, तुम्हें ये नहीं पता हमने 4 अरब ज्यादा पढ़ रखे तुमने ये वाली ईगो भी आ जाती थी कभी भी। प्लस क्या था, जो कोर ग्रुप है ना, जो दोस्तों का कोर ग्रुप है, जिस जो एक दूसरे के लिए है ही, खड़े ही हैं, सारे फेलियर थे तो आपस में तो हम जीते जाते थे ना रात को तो आपस में तो एक दूसरे को बताते थे ना कि अरे तू बाप क्या बात कर रहा है भाई, तेरा नहीं होगा कुछ तो कैसे दुनिया में किसी का नहीं हुआ तो वो सहारा भी तो था ही ना, जो और फेलियर की तरफ आपको ले जाता था लेकिन वापस नहीं ले आता था। सेम डे मुझे बाय चांस कैनवस लाफ क्लब का मेल आया हुआ था कि 4 मिनट का स्पॉट, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप शाम को 6 बजे आ जाना, तो 6-7 बजे गुड़गांव में यहाँ रिजेक्ट हुए, यहाँ साइबर आपकी बिल्डिंग थी थोड़ी दूर, गाँव देख के आते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, चला गया मैं। कुछ 600 रुपये लगते थे उस टाइम पे, अच्छा 4 मिनट करने के देने पड़ते थे। अच्छा, मिलते नहीं थे? नहीं नहीं, ओपन माइक में शुरू में पैसे देने पड़ते थे। ओके, 300 रुपये एक आपकी फीस थी। ओके, और एक कूपन मिलता था 300 रुपये का, साथ में एक बंदे को ले जा सकते हो। अच्छा, अपने फ्रेंड लेके जाना कंपलसरी होता था। तो 10 जो नए लड़के हैं जिन्हें करना है, नए लड़के लड़कियां आएंगे अगर आपको करना है तो 10 वो लोग 10 अपने साथ लेकर आएंगे, तब जाके तो 40 वहाँ भरेंगे ना 20 लोग, क्योंकि जो परफॉर्मर है वो तो दूसरे परफॉर्मर पर नहीं हंसेगा। ओ, ईगो की वजह से नहीं, वो याद कर रहा है अपना मुझे अगला जाना है तो वो सुन भी नहीं रहा वो क्या बोल रहा है, मगर वो सुन भी लेता है तो वो, अगर उसने पहले परफॉर्म कर दिया तो वो अपनी परफॉर्म एनालाइज कर रहा है क्या, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए साथ में जो बंदे आते थे 10 जेन्युइन पीपल जिन्हें वो हंसते थे जो, मेरे साथ कोई था नहीं। नीली गाय जा रही है, अरे बड़ी खूबसूरत लगती है, बस जब गाड़ी के सामने आती है तो बहुत बुरे हाल होते हैं। ऐसे तो यहाँ है क्या, ज़्यादा है क्या? इतनी ज़्यादा नहीं, बट हमारी तरफ नहीं है। तो गया में सर, डरता है बस किसान, किसान इसी सब से डरता है, वो खेत में ये जंगली सुअर। तो सर उसके बाद बस गए हम स्टेज पे गए। अच्छा, 4 मिनट करना था, 4 मिनट में मैंने शायद 3 या 4 लाफ लिए, अच्छे लाफ। ये कब लिखा कौन? सर कुछ नहीं लिखा था इसमें से, मैंने यही बताया जाके कि सूट पहन के गया था इंटरव्यू देने, पेन लगा रखा था, मैंने पहली लाइन जाती हुई बोली, मैं देख के लग रहा है बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ मैं कुछ नहीं करता, मैं तैयार हो गया अपने घर से, बेइज्जत होने गुड़गांव तो, और मैं ऐसे ही हंस हंस के बोले जा रहा था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था अपने आप की मजाक उड़ाने में, महंगा यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या जोक बोले मैंने, तो 3-4 जोक ऐसे ही कुछ बोलता रहा, हो गया। मुझे जब वहाँ के मैनेजर थे, वो अब मेरे मैनेजर हैं, कैनवस के मैनेजर थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि भाई तुम नेचुरली बहुत नेचुरल लगा मुझे तेरा एक्ट, तो तू करना आगे भी। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे आगे भी, कर लिया। अगला स्पॉट दिया उन्होंने 5 मिनट का, फिर अगली बार दिया उन्होंने 5 मिनट का नोएडा में, फिर ऐसे 5-5 मिनट करा होगा कुछ 6 महीना बनाया मटीरियल, उस टाइम लिखा फिर खूब, वो फिर मुझे मजा नहीं लगा, मैंने कहा ये कितनी बढ़िया जॉब है यार, जो भी है ये कितनी बढ़िया चीज़ है, तुम मजाक उड़ा सकते हो। और मैं वैसे बहुत दिल खुश इंसान हूँ कि मुझे बहुत मजा आता है मजाक उड़ाने में और मजाक अपने ऊपर उड़वाने में,
तो मैंने कहा ये करेंगे, फिर धीरे धीरे सीखा जोक राइटिंग क्या होती है, कैसे कॉल बैक किसे कहते हैं, क्या लूप है, कैसे आएगा, क्या होती है मुझे पता, सेगवे क्या होता है पता नहीं, छोटा सा छोटा मास्टर क्लास दीजिए मुझे, छोटा सा मास्टर क्लास आपको, मतलब मैं बेसिकली जो मैं डाइजेस्ट टाइप की कॉमेडी मैक्सिमम करता हूँ, डाइजेस्ट एनेक्डोटल कॉमेडी होती है, एनेक्डोटल, ओके, जिसमें मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ आपको, अब मैं कुछ कुछ पार्ट मेरा अब ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी भी होता है बीच में, वो क्या होता है, मैं ऑब्जर्व करके क्या चीज़, आप जैसे मेरा दुबई का एक सेट है उसमें वो ऑब्जर्वेशन है सारी कि मैं एनेक्डोट भी है वो कि किस्सा मेरे साथ ये हुआ था, बट उसमें ऑब्जर्वेशन जोक्स हैं कि फॉर अ पर्सन लाइक मी वेंट टू दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके सामने फरारी आई और मैं सोच रहा हूँ कि इसके इंजन में, इसके इंजन में कहाँ पे क्या लगा हुआ, अगर जो इस एरिया में मैं देख रहा हूँ वहाँ डिग गई है उसकी क्योंकि मुझे नहीं पता फरारी भाई, हमने तो पिक्चर में तो देखी है हमने तो ऐसे से बस ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन की मैंने कि बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हो गए एक चीज़ दिखती है औकात कि बहुत ज़्यादा ऊँचा है, हम तो अब भी नहीं है पैसे वैसे, ऐसा लगता है इंडिया में बैठ के तुम्हें लगता होगा पैसे दुबई जाकर समझ समझ में आ जाता, कुछ नहीं है तुम जाओ वापस जाओ, तो ये सब ऑब्जर्वेशन जोक्स थे, एनेक्डोटल मेरे हैं जो मैं खुद अपने किस्से सुनाता हूँ, उसमें किस तरह से आप एक स्टोरी को पिरोते होगी, आप यहाँ से निकले उस स्टोरी से, फिर आपने एक सेगवे लिया ऐसे घूम के आप वापस उसी जगह पे आ गए, तो तीन चार जोक एक्स्ट्रा जोक मार के फिर आप वापस वहीं आ गए, तो ऐसे कर करा ये सब सीखा, फिर उस पर लिखना चालू करा, फिर मैं बस रुका ही नहीं, दिन के तीन ओपन माइक कर रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव नोएडा रोज़ जा रहे हैं, अच्छा, दिल्ली में प्ले ग्राउंड कॉमेडी स्टूडियो खुला, बनीत हमारा दोस्त है बनीत प्रिय, उन्होंने खुला, उनके यहाँ तो मैं पढ़ाई रहता था, मतलब मैं तो मैं सुबह खोल दूंगा, दो बजे का शो डाल दो मैं खोल दूंगा यहाँ पे जितने, और उसमें खुद ही पैम्फलेट बांटते थे बाहर जाके कि ऐसे लोग जा रहे हैं हमने चुटकुले सुनने वो फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है कह रहा है नहीं सुनने, मैंने कहा ठीक है मत सुन फिर मैगी खा रहा उसके पास उनका चुटकुले फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाओ उन्हें ले आते थे, पाँच छः लोग जाते थे हम स्टेज पर चढ़ जाते थे, हमने को पाँच छः लोग बहुत हैं, तो सेम जोक अब सेम जोक चार बजे फुल किल हो रहा है, पागल हो गए लोग, सेम जोक छः बजे कोई नहीं हंसा है, तो बैठे हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है फिर 8 बजे दोबारा ट्राई हो रहा है सेम जोक, अब आधे लोग हंसे हैं, तो अब और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया कि यार ये समझ नहीं आ रहे लोगों को कि आधा पानी है कि क्या है, इसी गेम में साल सवा साल निकल गया, तो घर में कुछ बताना पड़ा कि दीदी को पता था, दोनों बहनों को पता था, बड़े सिस्टर को तो पूरा ही पता था क्योंकि जिस दिन पहले दिन करने गया था उस दिन वीडियो लेकर आया था, अच्छा वो वीडियो लाने के पैसे तो उनसे ही लिए थे 2,500 रुपये लेते थे वो वीडियो देने के 4 मिनट की वीडियो के, अच्छा हाँ, तो अब पैसे तो उनसे, उन्हें तो पता ही, उन्हें जाकर वीडियो देखा कि दीदी को ये करके आया हूँ, फिर उन्होंने बताया कि मैंने कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, आए भी वो एक दो शो पे आए भी जब मैं आधा घंटा करने लगा था तब, तो उन्हें पता था, फिर पेरेंट्स को 6-8 महीने बाद बोल दिया कि अभी मैं कुछ कर रहा हूँ एक बार ये कर लें दो करके देख लें दो है ना, फिर वापस से इस बार मैं पक्का वकालत करने चला जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा लाइफ में, विद्या कसम, हाँ विद्या कसम कुछ नहीं करूंगा, बस फिर हो गया इसमें हो गया तो फिर कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, पहली बार मशहूर कब महसूस किया, मशहूर कब महसूस किया, मैंने तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन मेरे 200 टिकट बिक गए थे, पहला शो डाला था 1 जून 2020 अप्रैल में वीडियो डाली थी, क्या होता है ना आप इंटरनेट पर वायरल हो सकते हो, आपके वायरलिटी होने के बाद कन्वर्जन होता है कि नहीं गेम वो है, मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अब बहुत अच्छे पर क्या आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे या आपको मैं इतना अच्छा लग गया कि आप 500,000 रुपये खर्च करके मुझे देखने और मिलने आ, और जब भी कोई ऑडियंस आपका शो देखने आती है ना वो इट्स एन इवेंट फॉर देम, इट्स नॉट लाइक कि घर से निकले दूध लेके वापस आ गए, वो अपने सारे दोस्तों को बताएंगे हमने टिकट लिया है, रिश्तेदारों को बताएंगे, वो पूरे दिन सुबह सोचेंगे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, किस टाइम पहुँचना है, क्या खाना है, इट्स एन इवेंट फॉर देम, तो क्या इतना दोगे मुझे, अगर वो दोगे तो हुई है कुछ बात है ना, व्यूज़ तो किसी भी चीज़ के आ सकते हैं इंटरनेट पर, वो तो JCB की खुदाई के भी हैं है ना, तो फिर जब मैं पहला शो डाला था हमने दिल्ली में साउथ एक्स में डाला था, तो वो उसके 200 टिकट बिके, 200 सीट डाली थी 200 टिकट बिक गए, वो खचाखच एक छत पे बढ़िया सा नया नया रूम खुला था, वो छत पे
नाम नहीं याद आ रहा मुझे क्या, वो खोला था उन्होंने, उस पे भर गया। बस उस दिन लगा था कि यार मजा आ गया, 200 लोग देखने आए घर से, और एवरीबॉडी सेइंग कि वी लव्ड योर वैक्सिंग वीडियो, चीटिंग वीडियो, और वीडियो निकालो आप। मुझे लग रहा है और तो मटेरियल नहीं है मेरे पे, ये तो एक घंटा बनाना पड़ेगा अभी जो भी है। फिर अपनी ऑडियंस में क्राउड अलग तरह से बिहेव करता है, मुझे उस टाइम पता चला। अच्छा, आपके फैंस जब आपकी ऑडियंस, आपकी जब ऑडियंस बन जाए ना, जब आपको देखने आते हैं लोग, दे आर वे मोर डिफरेंट देन एवरीबडीज ऑडियंस मिक्स्ड सिटिंग टुगेदर इन अ कॉमेडी क्लब। राइट, इट्स वे डिफरेंट। आपके जोक्स ऑटोमेटिकली आपकी रिदम वो समझते हैं, आपके बोल, आप कितनी भी तेज बोलोगे वो पकड़ लेंगे उस बात को, क्योंकि उन्होंने आपका वो तरीका आता है उनको, रिलेट ज़्यादा करते हैं आपसे। कुछ वकील बहुत आए थे उस शो में, क्योंकि साउथ एक्स में रहते हैं वकील, तो वो लोग रिलेट करते हैं। जिन लड़कों के चेस्ट पे बहुत बाल हैं वो आके मुझे बोल रहे हैं कि भैया देखो मेरे भी भाई से बाल है, ये सब अब रिलेशन अब वो बन गया है, कुछ कनेक्शन बन गया बेसिकली। वो सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी लगी, तब से मुझे लग गया था कि मैं हो तो गया हूँ कुछ। फिर टिकट्स कंटिन्यूसली बिकते रहे, फिर हमने इंडिया टूर डाला। इंडिया टूर के हमने बहुत सारे सिटीज़ में डाला, बैंगलोर डाला, अहमदाबाद डाला, चेन्नई डाला, कोलकाता डाला, तो हर जगह जब टिकट्स बिकने लगे, लगा कि बिल्कुल वो जो एग्जैक्टली किसी को चाहिए होता है वो मुझे किस्मत ने प्लेट में परोस के दिया है। तो देन आई थॉट कि अब इसमें कितनी भी मेहनत लग जाए मैं थक नहीं सकता। तो वो दिन है और आज का दिन है। सर मुझे पता नहीं मैं कब ढंग से सोया था। मैं सड़क पे हूँ, मैं हवा में हूँ, पर मैं हूँ। नींद बहुत प्रेशियस हो गई। प्रेशियस तो हो गई, हाँ सर, पर मुझे लगता वही बात है ना सारी, कि 27 साल तो जीवन के सोया ही था ना मैं। कुछ कर थोड़ी रहते हम, किसी भी टाइम सो जाते थे, किसी भी टाइम उठ जाते थे। और भगवान ने कहा अब लो, अब लो तो। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना काम करने वाला आदमी, जो आदमी काम नहीं करता वो सो के थक जा रहा है। उठ के दुनिया को ब्लेम कर रहा है कि यार ये क्या यार, ये गद्दा ठीक नहीं है। अरे तू उठा नहीं 8 घंटे से, गद्दा ठीक है वो। तो ऐसी हरकतें मैंने की हैं। उसके बाद अगर मैं ये टुच्ची शिकायतें करूं कि मुझे नींद नहीं मिल रही है, तो मुझे चाटा लेना चाहिए मेरे मुंह पे। तो जैसा भी है बहुत अच्छा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि नींद बिल्कुल नहीं मिल रही है, 6 घंटे तो सो ही जाते हैं बस। हाँ, वो टुकड़ों में कभी 5 सो गए, फिर एक बाद में सो गए, टुकड़ों में मिल जाती है नींद, पर हो जाता है। अब जैसे वीकेंड मिलेगा, गई लाइट, गई गई, मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्यों कोई भी नहीं टोक रहा। तो जैसे वीकेंड मिलेगा, मतलब वीकडे वीकेंड होता ना हमारा। तो मैंने जो मेरी पहली कहानी थी रेडियो की, दिवाली की रात, उसमें एक लाइन थी कि मैं होटल के इतने कमरों में रहने लग गया हूँ कि जब होटल आता हूँ तो लगता है कि घर आ गया। हाँ, सुना है मैंने। मैंने भी एक लाइन लिखी थी, सागर अपनी उसमें यूज़ करता है उसको, कि मेरे हिस्से की नींद इन शहरों में बट गई, एक घर बनाने की ख्वाहिश में ज़िंदगी होटलों में कट गई। तो ये मैंने सुनी आपकी कहानी भी सुनी, मैंने लाइन भी सुनी, और बिल्कुल सच में ही होता है। होटल मतलब आप लगाओ ना कि मुझे बैंगलोर के 3 या 4 होटल्स हैं, अहमदाबाद के, मेजर सिटीज़ बता रहा हूँ मैं, कलकत्ता, मुंबई तो मतलब हद, क्योंकि मुंबई में शोज के अलावा भी जाता हूँ ना बाकी काम के लिए, शूट वूट के लिए, वहाँ में होटल, मतलब आई नो द एंटायर स्टाफ ऑफ दोज होटल्स। मैं ऐसे एंटर करता हूँ जैसे मैं अपने पुराने किसी हॉस्टल के से लोगों से मिल रहा हूँ। अरे क्या हाल है भाई, अरे तुम्हारे, अरे पाजी कैसे हो, सबको जानता हूँ मैं उनको, अब मैं ऐसे में इतना फेमिलियर हो गए। तो वो सच बात है, इतना ट्रैवल करने के बाद हो ही जाते हैं अपने ऑटोमेटिकली। रूम भी सेम ही लेता हूँ अब तो मैं, लेकिन ना वही वाला रूम खोल दो मेरा जो है, ताकि घर सा ही लगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो है तो लाइफ तो इंटरेस्टिंग है ये, बस मुझे एक ही चीज़ लगती है, ट्रैवल इतना ट्रैवल करते हैं और मैं किसी शहर में नहीं घूमा आज तक। बस एक वो लगता है कि मुझसे कोई पूछे कि हैव यू बीन टू ऑल दी सिटीज, आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ चल रहा है वो, हैव यू बीन टू दी, मैं सारी टिक है मेरी, ये कश्मीर छोड़ के पूरा देश टिक है मेरा, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा किसी शहर में। सेम ही आवाज़ इतनी बार रिपीट होती है गांव में बैठ के, क्योंकि सब पे सेम बाइक है,
सब लोग सबसे किफायती बाइक उठाते हैं, सबकी सेम आवाजें निकलती हैं, सेम सड़क पे चली हैं, सेम जगह से टूटती हैं, सेम तरह की टूटने वाली आवाजें निकलती हैं। आज बहुत माहौल हो गया भाई, घर का खाना खा के तीन चाय पी ली है मैंने, तो बहुत माहौल हो गया मेरे लिए आज। अगर कल छुट्टी ना होती ना तो कल काम ना कर पाता मैं। अमीर कब महसूस किया? कभी भी नहीं। बट दी फ्रीडम टू स्पेंड मनी एज यू वांट। अभी तक वो माइलस्टोन 35,000 रुपए का था। आई थिंक ये आना शुरू हो गया, मेरे पैसा तो मेरे पास आना शुरू हो गया पहले कुछ जून जुलाई अगस्त सितंबर, चार महीने जो शोज किए, उसके बाद जो उस टाइम यूट्यूब से भी आया, पहले पहला जो चेक आते हैं यूट्यूब से जो अकाउंट में आता है आपका, वो आया। तो अब जून मान लेते हैं, जून 2019 से जब पैसा आया तो आते ही वो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। एक महीने में इतना पैसा आ रहा है आपके पास, तो आई वॉज लाइक, तो मेरे लिए वो ऐसा था कि इतना तो साल का एम था, कभी अगर वकालत भी कर रहा होता तो यही पैकेज मिलता, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता था। फिर उसके बाद वो अमाउंट बढ़ता ही चला गया, एक टाइम आ गया कि अब तो, अब एक टाइम आया जब मुझे ये पता चल गया कि नाउ माई क्राफ्ट, माई दिस 1 hour or 2 hour स्टैंड अप बिट जो मैंने लिख रखी है, इट्स, ये तो मशीन है पैसे छापने की, तो मेरे ऊपर है मुझे कितना काम करना है, कितने पैसे कमाने हैं। जिस दिन मन करेगा उस दिन शो डाल दूंगा, शो करने चला जाऊंगा। तो कोविड से पहले पहले तक आई हैड सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी इन माई अकाउंट कि मुझे लॉकडाउन से प्रॉब्लम नहीं हुई, कि लॉकडाउन हो गया है तो मुझे अगले 10 साल की भी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये था कि कोई लोड नहीं। आफ्टर दैट तो सीन बिल्कुल ही चेंज हो गया, फिर तो अब तो मेरी क्राफ्ट मेरे पास है, अब तो मेरी ऑडियंस है ना मेरे पास, तो जितनी जितना मैं काम करना चाहूँगा उतने मैं कमा लूँगा। बट एक टाइम के बाद ये भी होता है कि एक टाइम के बाद तो पैसा फिर हो जाता है ना कि इस, आपको पता ही आप पैसा खर्च नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका आपकी बुद्धि का जो स्फीयर है जितना वो हो सकता है उसमें जो मैक्सिमम शौक पूरा करना है वो भी इसके इतने से पार्ट से हो जाएगा, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो नाउ आई हैव एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिसका मुझे आई भी नहीं पता। तो इन्वेस्टमेंट मैं ऐसे करता हूँ कि कोई मुझसे आके बोलता है कि वो बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर ये चीज़ ले लेनी चाहिए, मैं कहा कागज़ ले आओ साइन कर दूँगा। देख कर नहीं आऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो मेरा कोई, मेरे पास मेरा किसी भी अकाउंट का मेरे पास वो नहीं है, एक्सेस नहीं है, सब रोहित भाई के पास है। कुछ कोई ट्रांसफर आज तक नहीं, मुझे ऐप नहीं चलानी आती वो। तो पापा को भी घर पे भी अगर पैसे भेजने हैं तो रोहित भाई को फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि भेज दीजिए, वापस में कर लेते हैं जो भी करना है। तो बस मुझे ये पता है मेरे पास है, बट अब उससे ऊपर उठ चुके हैं, पैसा नहीं, अब पैसा नहीं देखा जाता, वह कि कुछ भी कर लें। क्या कोई ऐसी फिजिकल या मटीरियल एस्पिरेशंस थी जो पूरी की, या क्या थी वो? एक महंगी गाड़ी ली, महंगी गाड़ी ली, तो एज सच एक चीज़ गाड़ी की थी, वो भी एंडेवर थी। अच्छा, बचपन से एक गाड़ी जो देखी थी वो एंडेवर थी, बुलेट का शौक पापा की वजह से। तो पहले ट्रैक्टर सोचा था मैंने, पापा रिफ्यूज की, जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के गांव में ये काम करते हैं कि दे हैव देयर ट्रैक्टर्स और वही किराए पे अपने जोत के चले जाते हैं। पापा वगैरह की भी उम्र हो गई, आपको मतलब नहीं है ट्रैक्टर से। एक वो था बुलेट। पूछा आपने क्या वो मोमेंट की अब हम कर सकते हैं अफोर्ड, व्हाट शुड बी बाय? नहीं, मैंने आज तक पापा से पूछा नहीं कि व्हाट शुड बी, मतलब वेल्थ का आना इसको उन्होंने किस तरह से देखा? उन्होंने ये चिंता नहीं हुई कि ये उड़ा देगा पैसे या
आई थिंक मैं मतलब मानता हूँ, पहले भी कहीं बोल चुका हूँ कि जब लक्ष्मी आने लगती है ना कुछ नहीं बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले कि ये बुरा ना मान जाए, कुछ हो ना जाए इसको, बट पापा ने ऐसा समझाया है कि थोड़ा ध्यान से रखना, ऐसा ना कर जाए। माइक टाइसन का मैनेजर ने उसको साथ धोखा कर दिया था। मेरे मैनेजर मुझसे कोई धोखा नहीं कर रहा, मैं मुझे पता है मैं किन के साथ काम करता हूँ क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता कितना पैसा है क्या है, बट दे नो कि इतना तो है कि ही इज़ डूइंग वेल। तो अब पहले उनका था कि दे लास्क मी कि भाई मुझे थोड़ा सा कुछ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है थोड़ा। दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि एक एज ग्रुप के जस्ट बाद रोल रिवर्सल हो चुका है, अब नाउ दे आर द किड्स एंड आई एम द फादर, नॉट लिटरली बट नाउ द वे आई यूज टू आस्क सेम से वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें ज़रूरत है, अगर हो तो डलवा देना, मांग नहीं रहे हैं, ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काम छोड़ा जा सकता है, बट हो सकता है तो हो भी सकता है। तो मैंने कहा जी पिताजी हो जाएगा, करा दिया। घमंड है? नहीं सर, अपने लोगों में मतलब जो मेरे बिल्कुल ख़ास हैं उनमें मैं कभी कभी जिस चीज़ से नाराज़ होता हूँ वो मैं बोल देता हूँ रात में 1-1.5-2 बजे कि अब जरा मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी वो लगी, पर एज सच घमंड बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है घमंड और ना उस इंसान में आता है जो हमेशा से बड़ा नहीं होता। जैसे कोई चीज़ मिल जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मुझे चाहिए थी और मुझे मिल गई। आपको बताया मैं हमेशा से बड़ा आदमी, तो मैं अपनी क्लास में हेड बॉय था ना, तो मैं उन बच्चों से बड़ा था ना, बैच था ना मेरे पास, तो मैं हमेशा से बड़ा आदमी था। जब मैंने ये भी कर लिया तो मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, इट्स लाइक हाँ मुझे इतना तो करना ही था। इसमें क्या है, बॉलीवुड की एक पिक्चर तो करके देखनी ही थी, इसमें क्या है, तो वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता है, तो इसलिए घमंड नहीं आया। सेकेंडली मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छे से ये बात पता है कि ऑडियंस की वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से ऑडियंस नहीं है, मुझे कोई भी रिप्लेस कर सकता है, ऑडियंस उसके पास चले जाएंगे जैसे मैं रिप्लेस होऊंगा, तो मेरे पास घमंड करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं अभी घमंड करूँ कि मेरा तो इतने टिकट बिकते हैं, ये होता है, एक मिनट लगेगा लिटरली मुझे, एक मेरी बेवकूफ़ी जो मेरी बेवकूफ़ी होगी भी नहीं, गलती से भी हो सकता है कभी कुछ हो जाएगा, एक चीज़ आपको ख़त्म कर देगी, तो घमंड वमंड कुछ नहीं है, वही खुश खुश आदमी एकदम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, सबसे अच्छे से बात बात करता हूँ मैं। मेरे जो क्लोज लोग हैं उनसे उन्हें पता है कि मुझे किस चीज़ का कभी कभी क्या लग जाता है, वो उन्हें पैसे भी पता चल जाता है मेरे बिना बोले भी, तभी वो मेरे क्लोज लोग हैं, तभी वो मेरे बिल्कुल टीम में हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अगर उनसे आप कभी अकेले पूछोगे कि घमंड आ गए तो वो कहेंगे बहुत बदतमीज आदमी, लेकिन मैं सिर्फ उस क्लोज उसमें हूँ क्योंकि उनके साथ नहीं हो, तो फिर इंसान तो हुई ना, मुझे कुछ चीज़ तो बुरी लगेंगी ना, ऐसा थोड़े ना पत्थर का हूँ कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट बाहर में कहीं कुछ नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल था। और गुमनामी से डरते नहीं, लगता है वापस कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा, पर लगता तो है कि हाँ यार ये ख़त्म हो जाएगा या फिर जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब तो गुमनाम नहीं होऊंगा, रहूंगा तो यहीं, बस कितना नाम होगा और कितना नाम नहीं होगा वो वाली बात है। और ये इतना करके ये भी पता चल गया कि कितना भी कर लो कम है, इस पर एक लिमिट तो होनी ही चाहिए कि तुम मुझे सोचते रहो कि नहीं अभी तो मुझे ट्रेवर नोआ से भी ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड मुझे नहीं बनना, किसी से बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनना मुझे, मुझे जितना मैं हूँ उतना ही बड़ा उससे भी, मतलब मुझे बस अपना काम करते रहना है, वो कितना भी स्केल तक मुझे ले जाए, कितने भी स्केल से मुझे वापस ले आए, मुझे वहीं रहना है, क्योंकि अब इसकी कोई लिमिट नहीं। अगर मैंने इस पर सोचना चालू कर दिया कि मुझे ये करना है वो करना है ये करना है, तो फिर इसकी फिर तो भाई ये वाली सीढ़ी, ये सीढ़ी छत पे पहले आती है ना तो ख़त्म हो जाती है, छत पे आ जाते हैं, इसकी छत ही नहीं आएगी कभी, चढ़ते ही चले जाएंगे फिर। अब और ऐसे ऐसे जुनून का क्या फ़ायदा जिससे सुकून मिलता ही ना हो, तो इतना भी नहीं चाहिए मेरे को, तो चलो गुमनाम या कोई डर नहीं, कृष्ण कृष्ण कर लूँगा मैं। ये जो स्टैंड अप की दुनिया है, ये इसको कैसे आप देख रहे हैं इंडिया में जैसे इवॉल्व कर रही है? आई थिंक हम सब सीख रहे हैं हाउ टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, हम सभी रोज़ नया ट्राई करते हैं, हम रोज़ ही कोशिश करते हैं कि हमें इस आर्ट फॉर्म के बारे में सबको हर बार कुछ नया पता चलता है कि अच्छा
एक चीज़ से मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि बहुत सारे लोग जो वायरल होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि लास्ट वायरल इंसान जिसका कन्वर्जन हुआ है एडिक्टिव गेम वो गुजराल था, मेरे बाद आया था, जस्ट 6 महीने बाद उसकी वीडियो आई थी। बहुत सारे लड़के हैं जो उस जो बहुत जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो तो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व करती हैं उससे जो उन्हें मिल रहा है, तो उससे मैं थोड़ा सा दुखी हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो और उसका रीज़न ये है कि इंडिया में कॉमेडी क्लब्स का कल्चर नहीं बन पाया अभी तक। इंडिया में ऑडियंस आर्टिस्ट की टिकट लेती है, स्टैंड अप कॉमेडी की टिकट नहीं लेती है। वो सिर्फ यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी होगी इस बात के 500 रुपये नहीं देंगे, हमें ये बताओ कौन आएगा तो हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। ये डिफरेंस US में है। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि इसमें ऑडियंस की कोई गलती है, ये कल्चर बनने में US को भी 50-60 साल लगे हैं, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। वी आर दोज लकी पीपल, मैं सिर्फ लकी मानता हूँ और कुछ भी नहीं, लकी पीपल जो आर्टिस्ट वो बन गए जिनकी टिकट लेते हैं लोग। बहुत सारे अनलकी भी हैं जिनके लेने चाहिए थे पर नहीं लेते हैं। और सुपर सुपर फास्ट तरीके से ये इवॉल्व कर रही है इंडस्ट्री रोज़, मतलब कैसी कैसी सिटीज़ में मैं जाके परफॉर्म करा है जिनके मैंने नाम ही नहीं सुना था, जो मुझे वहाँ जाके पता चला है कि वो इट्स अ बिग सिटी, गुड सिटी, बट बस हमारे कभी नज़रों में नहीं आई, हमें क्योंकि हमने उस चीज़ पर कभी न्यूज़ में नहीं आई। अच्छा, तो अच्छी खासी इवॉल्व कर रही है, अच्छा भला लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग कर रहे हैं काम, घर सबके चल रहे हैं, नाम एक वायबल करियर ऑप्शन बन चुका है, बन चुका है। बट नाम जिन्हें मैं उनकी बात करूँ, जिन्हें नाम और जन का ज़्यादा मिलना चाहिए था उनके बात करूँ, उनके लिए दुखी, अदरवाइज इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, बहुत शानदार। क्या इसको अपने क्राफ्ट पे, अपनी राइटिंग पे और काम करने की ज़रूरत है? किसको? स्टैंड अप कॉमेडी इन द बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो कुछ लिखा ही नहीं किसी ने, अभी तो इसलिए वायरल हुआ है सब कुछ क्योंकि पहली बार आया था। सर जी मैं नहीं कहना चाहता, आप ही कह रहे हो, मैं अपने मुंह से। हाँ नहीं, मैं बता रहा ना कि ये सब इसलिए चला है क्योंकि पहली बार एक डिफरेंट चीज़ आई थी, राइट, ये सब इसलिए चली है। अभी तो कुछ नहीं, किसी ने अभी तो पता ही नहीं है क्या क्या, अभी तो हम यही पहले हमें इस बात पे इवॉल्व होना पड़ेगा कि किस लिमिट तक कह सकते हैं, क्या टॉपिक उठाया जा सकता है, इंसान किस तरह से और कितने कितना उसका दायरा होगा उस बात को करने का कि इससे ऊपर नहीं जाना है, राइट, इससे नीचे रहना है, जाना है तो किस पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस में जाना है, किधर नहीं जाना है। शो ऐसा लिख दिया है कि शो 25-35 के एज ग्रुप को टिकट बेचनी है, अदरवाइज ऑफेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, हर चीज़ सीखनी है, हर चीज़ करनी पड़ेगी अभी। तो स्टैंड अप में तो अभी कुछ भी नहीं लिखा किसी ने, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लिखना पड़ेगा। शायद हमसे 10-15 साल बाद लोग आएंगे जो एक्चुअली अच्छा लिखेंगे, तब पता चलेगा कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं लिखा था है, तब तक हो सकता है हम बहुत अच्छा लिख दें तो हम ही बता दें कि हमने उस टाइम बहुत गंदा लिखा था। तो वो है, जैसे जो मेरा अभी जो शो मैं करता हूँ, इट्स मतलब मेरे सारे काम को अगर आप मिला लोगे तो ये उससे फनी कम हो सकता है बट राइटिंग इवॉल्व ज़्यादा है। कुछ लोगों को फनी ज़्यादा लग सकता है, कुछ डिफरेंट, बट उससे बेटर लिखने की कोशिश करी मैंने इसको। ऐसे तो मैं धीरे धीरे बेटर ही करता जाऊँगा। अब जो मेरा बेटर है, जो मेरा दुनिया में की नज़रों में आज बेस्ट हो सकता है, वो 15 साल बाद मैं ही बोल दूंगा कि ये इतनी ख़राब बात करनी नहीं चाहिए थी, ये जोक बहुत अच्छा हो सकता था, ये कुछ नहीं। तो मैं तो मानता हूँ अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, कुछ भी नहीं लिखा हमने। ऑल्सो आई फील कि बहुत खूबसूरत क्राफ्ट है ये, लेकिन जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग या आई डोंट नो, व्हाइल आई अंडरस्टैंड कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल गांव के लोगों का मजाक उड़ाना या जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ह्यूमर जनरेट करने के लिए, क्या हम ह्यूमर को इन बैसाखियों की हमेशा आवश्यकता है, या क्या मैं बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहा हूँ उसमें? आई थिंक सुपर सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हो आप। when it is used, when you are using it for the cuss words, हाँ
ये सुपर सेंसिटिव है। दूसरा वाला पॉइंट तो ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कॉमेडी वो अलाउ भी नहीं करती आपको, पंचिंग डाउन इज़ नॉट अलाउड, पर मेकिंग फन ऑफ वेमेन और मतलब मेकिंग फन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल। पर वही मैं कह रहा हूँ कि आप इतना ब्लैंकेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कॉमेडी इज अबाउट मेकिंग फन। आप किसी का तो मजाक उड़ाएंगे या किसी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे, सो आप एक ब्लैंकेट वो भी नहीं कह सकते। तो वही आई थिंक जैसा आप पहले कह रहे थे कि किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना है। बट जैसे कस वर्ड्स का भी है कि अगर आप एक रूम में हैं जहाँ पर जितने भी 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं जो एक उम्र के हैं और एक वो दैट्स फाइन। बट जैसे अभी आपने मेरी 8 साल की बेटी को सुना कि वो आपको देखती है क्योंकि उसकी माँ देखती है। सो इंटरनेट के युग में वो कंटेंट किसी के पास भी जाएगा, क्या वो किसी तरह की जिम्मेदारी लाता है? बिल्कुल लाता भी है, लाना भी चाहिए। बट जिम्मेदारी दोनों तरफ से हमारे ऊपर, हमारे ऊपर ये लोग अगर देख रहे हैं तो इन पर बुरा प्रभाव ना पड़े, 8 साल के बच्चे पे वो जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक 20 साल के लड़का जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे उसकी लैंग्वेज में हंसाना भी हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम स्टैंड अप क्यों कर रहे हैं? तो मैं सिर्फ अच्छी बातें करके चला जाऊँगा। तो पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक एक शो जब लिखता है एक इंसान, 2 घंटे का शो है मेरा, मैंने 2 घंटे का शो लिखा है, हर जोक आपके लिए है ही नहीं। या तो मैं क्लास में जाके करूँ कि 8C में करूँगा आज, तो एक जैसा 15 मिनट करके आ जाऊँगा, ये सिर्फ 8C के लिए था, 12C में बदल जाऊँगा ये करके, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। मेरे शो पे 16+ लिखा है, 16+ कुड बी एनीथिंग, राइट? अब वो आपका 2000 की जनता आके बैठ गई है, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या एज ग्रुप बैठा है क्या, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज अ राइटर एज अ परफॉर्मर कि मैं दो घंटे सारे जोक्स आपको आपके लिए लिखे मैंने। मेरे जो शो का कुछ पार्ट से आप रिलेट करेंगे, कुछ पार्ट से 20 से 24 साल का बच्चा रिलेट करेगा, कुछ 35, कुछ 50-60 जब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। सारी बातें होती हैं, एक ये जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। सेकेंड जिम्मेदारी अब इसी का पार्ट में आ जाती है कि जब मैं 20 से 30 की बात कर रहा हूँ, वट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि हम जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं स्टेज से, हालांकि हर चीज़ में एक वो है कि आप इसे ओवर नहीं कर सकते, बिना बात में हर लाइन में एक गाली डालूंगा उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। कैसा भी जो OTT में भी मैं होता देख रहा हूँ वो हाँ नहीं है, उसका पॉइंट नहीं है। वो तो फिर वो बिल्कुल ही उसमें हो गया कि तुम्हें डायलॉग में क्राफ्ट जैसे तुम्हें लगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं एक गाली देते हैं हमें बढ़िया सी। और एक्टर्स क्या है कि पहली बार गाली देने को मिल रहा है तो वो दे बहुत अच्छे से रहे हैं, ऑडियंस को पहली बार सुनने को मिल रहा है वो सुन बहुत अच्छे से रहे हैं। तो हमारे उसमें कि कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें जो जिसकी मतलब वो टोन ही ऐसी बन गई है, जैसे दिल्ली की लैंग्वेज में कोई बंदा कोई अगर किसी को सर डांटेगा तो वो पहले एक गाली लगाने के बाद ही वो सेंटेंस बोलेगा, तो आई विल रेप्लिकेट द सेम थिंग टू मेक इट मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस। ये चीज़ है कि मैं फालतू में यूज़ ना करूँ, और करूँ तो वो जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत हो एग्जैक्ट वहाँ पे हो। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लड़के हमारे 18 साल से 30 साल 35 साल हमारी एज 40 भी इनफैक्ट, जब लड़के आपस में बैठते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत अलग होती है। वो लोग तमीज़ से बात नहीं करते एक दूसरे से, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है। दोस्तों से मिलते हैं बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है जो आपस में यूज़ होती है, और बचपन के दोस्त से सेम लैंग्वेज यूज़ होती आ रही आज तक, एज कितनी भी हो गई हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। वही इंसान जब अपनी फैमिली के साथ बैठा है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब हम इनके साथ बच्चे के सामने हम वो वाली बात नहीं करेंगे, ऑफकोर्स नहीं करेंगे हमारी फैमिली जैसा भी है। तो अब इसमें ये होता है कि कुछ जोक्स जब हम कर ही लड़कों के रहे हैं, जब हम बात ही 6 लड़कों के दोस्तों के बैठे कर रहे हैं, अगर मैंने उस पूरे प्रेमाइस में तमीज डाल दी तो उसका पॉइंट ही खत्म हो गया करने का, राइट? तो उसमें तो वो पॉइंट आएगा ही आएगा कि भाई ये ऐसे ही बात करते हैं आपस में। एंड नाउ व्हेन यू एज एन ऑडियंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक ग्रुप, एक लड़कों का ग्रुप है जो वहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही बात करेंगे, हो ही नहीं सकता वो तमीज से बात करते एक दूसरे से। तो वो प्रेमाइस क्या दिया गया है आपको, किस तरह से दिया गया है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे कोई सिचुएशन बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ये कर रहा है, तो यू कैन नॉट जस्ट सी द जोक,
Right. You have to see the situation. Sure. कि इसने क्यों अच्छा ये यहाँ पे यूज करा है. अगर आप उसे पूरा उस तरह से लेंगे जिस तरह से वो लिखा गया है, हाँ. जिस तरह से वो प्रेजेंट करा जा रहा है, तो यू नॉट फाइंड इट बैड और एनीथिंग. असल में हुआ क्या है कि इट्स नॉट जस्ट स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब मैं प्योरिस्ट नहीं हूँ और ना होना चाहता हूँ, लेकिन हुआ ये कि पोर्नोग्राफी तो हमेशा देखी जाती थी जी. और जो देखते थे उनके अपने जो भी है अपने दायरे थे, अपने VHS टेप्स थे या वट एवर. नाउ बिकॉज द इंटरनेट इंश्योर्स कि आप ऐसे दायरे नहीं बना सकते हैं, तो ये जो गांव के बच्चे हैं यहाँ पे शाम को इंटरनेट स्पीड्स बहुत कम हो जाती हैं. ओके. बिकॉज द यंग पीपल आर वॉचिंग पोर्नोग्राफी. अच्छा. ऐप्स आ गए जिसके बिजनेस मॉडल्स पोर्नोग्राफी पे बेस्ड है, वेल एटलीस्ट सेमी पोर्नोग्राफी पे बेस्ड है. यूनिकॉर्न्स हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग रेज कर रहे हैं वगैरह वगैरह. नाउ या ऑनलाइन गैम्बलिंग हमेशा से हुई है, लेकिन इंटरनेट ईरा में वो सबको सहज रूप से उपलब्ध हो गई और वहाँ आप कंट्रोल्स नहीं कर पाए. नाउ क्या इसमें दोष गैम्बलिंग का नहीं है? इट्स ऑलवेज वो तो पांडवों के समय से एग्जिस्ट कर रही है, राइट. पर आप एक समाज के तौर पे किस चीज या किस उम्र या किस तबके की पहुंच किस चीज तक चाहते हो? क्योंकि ये हम नहीं कंट्रोल कर पाए अभी तक तो. अगर टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि कंटेंट का क्या असर होता है लोगों के माइंड्स पे, इसको मुझे लगता है बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है. कंटेंट एक न्यूक्लियर पावर है. कहानियाँ, चुटकुले, कविताएं, ये वो नहीं है जो आप ठीक है आप जब सब काम ख़त्म करते थे उसके बाद करते थे, लेकिन आज की ताकत में चूँकि कंटेंट को डिसेमिनेट करना इतना इतने बड़े लेवल पे हो गया है. ये नहीं कि आप महीने में एक बार एक नाटक देखने जाते थे, अब आप आज अपने फ़ोन पे 10 नाटक देख सकते हो एक ही दिन में. तो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स अपना काम कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी से आई एम श्योर करेंगे, लेकिन जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं अगर वो उन लोगों के पास भी पहुंच रहा है जिनके लिए वो इंटेंडेड नहीं है, आई ड्रॉ द लाइन देयर. नाउ दैट इज नॉट द क्रिएटर्स फॉल्ट, बट इट इज हैपनिंग, राइट. कि जब आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और एक बच्चा जब कहीं भी शुरू करके कहाँ खत्म पहुँचेगा आपको नहीं पता. और ये एज अ आई डोंट नो एज अ क्रिएटर, एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिकेटर, तीन मेरे रोशनदान हैं. जो मैं सोचता हूँ इस बारे में, नहीं बहुत ज़रूरी चीज़ है सोचना. एक ऐसे यूट्यूब तो करता भी है कुछ, तो किड्स यूट्यूब पर लगे हैं. और अगर कुछ मतलब नॉट श्योर कैसे होता है, अगर अपने एज ग्रुप डाल दोगे उसमें तो वो आपको सजेशन चेंज कर देता है कुछ तो. नॉट फुल प्रूफ. अच्छा. आई ट्राइड इट. ओके. पर ये है क्योंकि भाई जो अगर स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो एक तरह का ह्यूमर करता है और एक तरह की ऑडियंस के लिए, जैसा मैंने कहा कि अगर वो एक कमरे के अंदर है तो बट ये मे बी अगर इस चीज़ के लिए लोग माइंडफुल हों कि ठूंसा ना जाए, ज़बरदस्ती ना हो, जैसा आपने कहा कि अगर सहज रूप से है. एक बार मैं टीवी डिस्कशन में था, ये गाना आया था डीके बोस, उसके बाद तो सामने एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े लेखक, और उन्होंने कहा कि जी
आप इसलिए गाने में, फिल्मी गानों में गालियों के आने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप गरीब के पाँव को अपने ड्राइंग रूम में नहीं आने देना चाहते। ओके। मैंने कहा तो ये तो बहुत ही क्लासिस्ट बात है कि क्या गरीब ही गालियाँ देता है। नाउ जैसे फिल्मों में है, फिल्मों में अगर आप सौंदर्य को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक बूटी समझ के मुझको खा जाओ या जो भी गाना है वो है ऐसा गाना मुझे पता है। मैं कई बार सुनता हूँ, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए अब मैं कुछ नहीं बोलता, अच्छा ये सी व्हाट बॉदर्स मी इज़ कि जो क्रिएटर है ना वो अपनी ताकत या तो नहीं जानता या जानता है और उसको जिम्मेदारी से यूज़ नहीं कर रहा है। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नहीं 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 मैं तो आज से सब अच्छी बात, क्या फिल्मों में लोग मरते नहीं थे, फिल्मों में हत्याएं होती थी, फिल्मों में बुरे लोग होते थे, विलन होते थे, लेकिन फिल्मों में आपके ब्रेन के टुकड़े टुकड़े होना और अंतड़ियों का आपके पेट के दिखना, इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था और ना ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सेक्स एज अ टिटिलेशन काम करना बंद कर गया तो वायलेंस एज अ टिटिलेशन यूज किया जा रहा है। मतलब आपने इतना देख लिया सेक्सुअल कंटेंट, आपने वायलेंट कंटेंट क्योंकि फिल्मों में था तब सेंसर होके आता था भारत के कॉन्टेक्स्ट में, अब वो फ्रीली अवेलेबल है, वो अनसेंसर्ड है और OTT प्लेटफॉर्म्स पे है। और सो मैं OTT जब देखता हूँ तो मैं जब कभी भी देखता हूँ मैं छुप के देखता हूँ, मतलब मेरी बेटी कमरे में ना आ जाए उस वक्त, आई एम माइंडफुल ऑफ दैट, क्योंकि मैं कोई भी सीन देख रहा हूँ, हो सकता है आउटस्टैंडिंग फिल्म हो 2 घंटे की लेकिन 2 मिनट उसमें हो जिसमें कुछ इतना ग्रिजली वायलेंस हो जिसकी शायद आवश्यकता नहीं थी। एक कुल्हाड़ी अगर उठती है वहीं पे सीन को कट किया जा सकता है, मुझे नहीं देखने की ज़रूरत है कि कैसे उसका हाथ पैर कटा। पर ये जो वॉयरिज्म आ गई है दैट ट्रबल्स मी एज अ कम्युनिकेटर। और मैं इसकी मतलब बात करता हूँ, मैं कोई ऐसा प्योरिस्ट या साउंड नहीं करना चाहता, ऐसे भी ओपन टू डिस्कशन ही है पूरी, एंडलेस डिस्कशन है, कितना कर सकते हैं। और अगर उस पर डिबेट करने लग गए तो दोनों तरफ से आपके पास 2000 पॉइंट्स आ सकते हैं हर 2 मिनट में। मैं बस जो पर्सनली मैं जो बात करता हूँ वो मुझे जो चीज़ खाती है वो जो आपने स्टार्ट की थी उस बात से कि इंटरनेट शुड नॉट बी फ्रीली अवेलेबल। अगर आप अपने मेहनत से पैसा कमा के उससे आप कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आप सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करोगे जिस तरह का आपको पसंद है, जो आप देखना चाहते थे, जो आप के लिए शायद बनाया गया था, आपके क्रिएटर जो आपके लिए ऑडियंस ढूंढ रहा था आपके पास तक आना चाहिए था। फ्री होने की वजह से आपने सब कुछ कंज्यूम कर लिया। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं कि आपने कंटेंट कंज्यूम किया नहीं किया। अगर आप मतलब आई एम वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट फ्री इंटरनेट, एब्सोल्युटली मैं उसकी वजह से वायरल हुआ हूँ, करेक्ट, बट मेरा पॉइंट इतना सा है कि इतना कंटेंट अवेलेबल होने के बाद नाउ मोबाइल इज कंट्रोलिंग यू, एब्सोल्युटली जब आपको एक हाथ में रखी हुई थी, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं हूँ कंट्रोल, मैं भी कंट्रोल्ड हूँ मोबाइल से, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, वो तो मुझसे कोई बात नहीं करता बस, तो सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो 4 बार टिंग टिंग किया, अरे अभी देखते रुको किसका इंस्टाग्राम है वो, ये मेरा दोस्त है संकल्प, ये अब घर जा रहा है, तो जब शाम को ऑफिस से घर जाता है अच्छा तो ये रील भेजता है, तो 4-5-6 रील एक साथ आती हैं, वही रील है उसी की सारी, तो यही है रील, हर तरह का कंटेंट सुबह शाम तक देख रहे हो उसमें। तो मुझे बस उस टाइम पे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गए मोबाइल से, एटलीस्ट
कुछ तो ऐसा हमें ऑप्शन मिले, दो दिन के लिए मत दो इंटरनेट कम से कम, पांच दिन दे दो, मतलब इसमें कुछ तो छुट्टी हो ना, मतलब अदरवाइज आने वाले टाइम में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू एक्चुअली कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, उन्हें क्या सिखाना चाहिए क्या नहीं सिखाना चाहिए. मुझे तो लगता है इस चक्कर में टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं जवान बच्चे, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक तो इतना वो एज ग्रुप, मतलब हमें इस टाइम पे हमें एज अ कंट्री हमें उन्हें पुश करना है कि डू समथिंग बेटर, और हमने उस बेहतरीन टाइम पे उनके जब उनका माइंड बेस्ट उसमें था, वो डोंट डू एनीथिंग पे आ गए कि बैठो आराम से देखो कुछ भी. बिल्कुल बिल्कुल. कितने बच्चे देखे हैं जो खाने नहीं खाते बिना यूट्यूब देखे. मैंने कहा अभी से कैसे यूट्यूब देख सकते हो, मतलब फिर तुम क्या करोगे कॉलेज, अब कॉलेज में जाके अब एक टाइम आएगा जब एवरीबडी विल बी, मुझे लगा आई चुका है, जैसे हमने कॉलेज कर लिया, मैंने कॉलेज कर लिया, आपने तो पहले कर लिया कॉलेज, मस्ती बहुत ज़्यादा करी है जिसकी कोई हद नहीं थी, और आप किसी की मस्ती किसी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर टाइम की मस्ती अलग है. बिल्कुल. उन दिनों जो होती थी मस्ती उसमें जो पीक पे हो सकती थी हमने वो करी, एक भी सेल्फी नहीं है लेकिन सारी यहाँ बसी हुई है एक एक बात. शायद उसी बात की वजह से मैं उसके उस पर हर तरह के जोक भी बना लेता हूँ. मुझे अपने सारे दोस्त याद है, मुझे जगह याद है कहाँ पे की थी क्या नहीं किया था. मैंने इसलिए आपसे फ़ोन पे पूछा कि सीतापुर वाले रास्ते पे उस वाले रास्ते पे, क्योंकि गए हो मुझे पता है वो. तो अब जब हर चीज़ मोबाइल में ही कंट्रोल होनी शुरू रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी, जब आपके छः दोस्तों में से एक दोस्त आपका सिर्फ वीडियो ही बनाता है, उसने कब मस्ती करी? वो तो सिर्फ वीडियो बनाता रहेगा, तो यादें नहीं रहेंगी. यादें हैं, यादें डॉक्यूमेंट हो रही हैं, पर वो डॉक्यूमेंट होना याद का आई डोंट थिंक इतना इफेक्टिव होगा जितना हमारे माइंड में है. और एक एक ग्रुप एक वेकेशन की ग्रुप फोटो देख के जितनी याद आप वेकेशन की कर सकते हो उतनी वो वीडियो देख के नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो में जो जो आपके सामने ग्राफिक आएगा सिर्फ उतना ही उतना दिमाग चलेगा. और एक बार जब आप ग्रुप फोटो देखते थे किसी, जब गए थे शिमला, गए थे हम सारे दोस्त, पांच छह दोस्त हम शिमला गए थे, उसकी एक फोटो मिल जाए फेसबुक पे तो फोन की सब याद आ जाता है कि भाई याद है तुझे, तू वहां से गिर गया था, फिर ये हो गया था, वो हो गया था. आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, दिस इज आल्सो अ ब्यूटीफुल टाइम, बट पता नहीं, मतलब ये भी डिबेटेबल है, कितना भी कर सकते हो उस पर. पीपल कैन से इंटरनेट की वजह से उन्हें एजुकेशन भी तो मिल ही रही है, इजी एजुकेशन इज एक्सेसिबल एंडलेस, बट आई पर्सनली फील कि प्लीज थोड़ा सा दो घंटे चार घंटे यूज कर लो बस, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए मोबाइल यूज, खराब, बड़ी खराब चीज़ है. हमने एक गांव कनेक्शन में सीरीज़ की थी रक्त रंजित, जिसको रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला, वो इसी बात पे थी कि जो गांव में सेक्सुअल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और उसकी एक स्टोरी ख़ास इसी पे थी जिसने इसको कोरिलेट, बढ़ रहे हैं 100% बढ़ रहे हैं, और इसको कोरिलेट किया था कि घटती हुई डेटा कॉस्ट्स और बढ़ते हुए क्राइम्स. और कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये जो आपने विषय उठाया है ये इस पर नहीं देखा जाता, इट इज़ ड्यू टू द फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड हेंस पोर्नोग्राफी विच लीड्स टू यू नो सर्टन काइंड ऑफ एक्शंस. तो मे बी देन कि भाई पढ़ाई का फ्री में अवेलेबल हो, वही व्हाट आई एम सेइंग इज कि हां 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 एग्जैक्टली, इसके पैसे लो पढ़ाई का फ्री में दो तो हां हां सही बात. बट हां आई एम ग्लैड कि यू आर माइंडफुल ऑफ दिस, कि ये है, ये एलिफेंट इन द रूम है. ये मुझे तो, मैं तो बहुत सोचता हूं इसके बारे में, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आई जस्ट वांट टू कंट्रोल Anybody जो मुझसे छोटे हैं या क्या, फिर जैसे जो मेरे दिमाग में सेम थॉट आता था कि अरे तुम बड़े हो तो आप हमें सिखा रहे हो, कि मतलब ऐसे हमें नहीं पता होगा, ये वाला तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारे हाथ से मोबाइल छीनना चाहता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, समझना हो समझो तो करो. मैं कुछ नहीं कर सकता इससे, मैं बस बता सकता हूँ क्योंकि मेरा हो रहा है, जब मेरा इस लेवल पे आके हो रहा है, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग दिस मच, अर्निंग ऑल्सो, सेटिस्फाइड ऑल्सो विद माई वर्क, हैप्पी, तो उसके बाद अगर मुझे ये कंट्रोल कर सकता है तो अगर तुम इतने से भी वल्नरेबल हो तो तुम्हारी तो जिंदगी खा जाएगा, ये तो बिल्कुल अंदर समा देगा. वो डर लगता है बस कभी कभी, बाकी तो सब समझदारी आ ही जाती है कुछ टाइम के बाद, एक एज के बाद खुद ही लग जाता है कि अब ठीक है. क्या आप ना समझते जब आप पलट के देखते हैं?
अभी भी हूँ। समझदार तो नहीं हूँ मैं, सब मतलब कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है, कुछ आप लकी हो जाते हो कभी, कुछ टाइम अच्छा आ जाता शायद आपका, तो आपकी ज़िंदगी की ट्रैक पे आ जाती है। बाकी समझदार तो मैं कहीं से कहीं तक नहीं हूँ सर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सेम गलतियाँ ना करूँ। मैं जैसे थेरेपी में भी हूँ तो इट्स नॉट बिकॉज आई एम डिप्रेस्ड और एंग्शियस एनीमोर। आई एम इन थेरेपी बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न मोर। आई हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली माई बिहेवियर कैन लीड टू, क्या क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए, कैसे कितनी बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये सब ना स्कूल में सिखाया गया, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, इसकी शिकायत बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट पढ़ा दिया, उनके हाथ में जितना था उन्होंने कर दिया। खुद से सीखने का किसी ने बोला ही नहीं, खुद से सीख लो, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी या आनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी दोस्तियों के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब सीख लूँ। तो समझदार तो अभी नहीं हुआ, समझदार शायद कभी भी नहीं हो पाऊँगा हमेशा, क्योंकि कुछ एक तो सीखने की इच्छा है मन में, तो जिस इंसान के सीखने की इच्छा है वो समझदार तो अपने आप क्या ही डिक्लेयर करेगा, उसे हर बार समझ में आएगा ही ना कुछ और कि भाई मुझे तो नासमझ होना उसमें थोड़ी मासूमियत भी है, बहुत मासूमियत डिस्कवरी है, बहुत है, क्यूरियोसिटी है, बिल्कुल। और अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो ये बात कि आप नासमझ हो तो आप शायद थोड़े से समझदार हो, बिल्कुल। और अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं मुझे तो बहुत समझ है, तो कुछ तो खराब चल रहा है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझ तो सबको हर बात की नहीं हो सकती। हाँ, तो जैसे मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं वल्नरेबिलिटी मेरी बीइंग का ब्रांड तो नहीं कहूँगा बट मेरी बीइंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं मानता हूँ कि कई चीज़ें मुझे नहीं आती हैं जो मैं करता हूँ, और स्टेज पर भी मैं अगर कागज़ ढूंढ रहा हूँ और फंबल कर रहा हूँ या अपनी लिरिक्स गा रहा हूँ और भूल जा रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, भाई आप शक मत करिएगा मैंने लिखा है। तो वो बिल्ट इन है, इट मेक्स यू मोर ह्यूमन आई फील। ऐसी क्या चीज़ें थी जिनको आप जिन पर काम करना चाहते थे जिसके कारण आप थेरेपी में गए? मेरे मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे जब मैं 2017 में पहली बार गया था तब तो आई वॉज मुझे पानी पिला दो भाई, तो मुझे तब बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग माई सेल्फ यू आर अ फेलियर एंड कंटिन्यूसली टेलिंग माई सेल्फ दैट यू कैन नॉट बी अ फेलियर। एक वो वाली चीज़ भी थी कि जब खाली दिमाग शैतान का घर होता ना, अब 1000 चीज़ सोचते, ये कहावतें एक्सपीरियंस ही कही गई होंगी बिल्कुल लोगों ने जब इतनी पुरानी चली आ रही हैं, तो वही वाला एक वो था फेज़। फिर अब जब ये आया मेरा स्टैंड अप चला फिट, फिर जब मैं अब थेरेपी में गया तब आई वॉन्टेड टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैं किसी भी चीज़ पर ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ। मतलब मैंने जैसे कि अगर मुझे मैं किसी रिलेशनशिप में अगर मैं हूँ किसी भी तरह की दोस्ती की, मेरे गर्लफ्रेंड हुई या फिर मेरे पेरेंट्स हुए कुछ भी हुए, तो मुझे कहीं ना मेरा एक अगर मान लो मुझे कोई चीज़ ख़राब लग गई, आप मेरे मित्र हैं, आपकी बात मुझे ख़राब लग गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे कटना शुरू हो जाऊँ, मैं आपको कन्फ्रंट नहीं करूँगा, मैं दूर भागूंगा सिचुएशन से। और फिर एक टाइम आएगा जब मुझे खुद ही अपने दिमाग में, क्योंकि कोई भी बात ना आपको मोमेंट पे ख़राब लगती है, एक टाइम बाद आपको लगता है कि इतनी ख़राब तो नहीं लग रही थी, वो होनी तो नहीं चाहिए थी, इतना क्या सीरियस हो गया मैं इस बात पे, ऐसा नहीं हर चीज़ कुछ बातें, फिर जब मुझे लगता था कि ये अब ख़राब लगने वाली बात नहीं थी तो आई एम फाइन विद इट नाउ, हो गया। बट आई वॉन्टेड टू नो कि मैं कन्फ्रंट क्यों नहीं करता हूँ, मैं क्यों किसी इंसान को नहीं बोल पाता हूँ कि भाई ये है, उससे रिजॉल्व क्यों नहीं करता। हाँ, रिजॉल्व नहीं करता हूँ, इट्स नॉट लाइक आई एम दैट स्वीट एज अ पर्सन कि मुझे बुरा ही नहीं लगता, हर इंसान को लगता है ऑफ कोर्स। उसमें दूसरा ये है कि मुझे किसी की बात बहुत अच्छी भी लग रही है तो मैं तुरंत बोल देता हूँ आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, तो एम आई अ पीपल प्लीजर, क्या मुझे सबको खुश रखना अच्छा लगता है कि मैं कोई मुझसे दुखी नहीं होगा,
ऐसे मेरी इमेज खराब हो जाएगी समथिंग, ये मेरा ये है या मैं क्यों कन्फ्रंट नहीं कर पाता क्या, तो ये सब चीज़ें इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स मुझे ये जानना था. इट्स नॉट बिकॉज मैं बहुत मैच्योर हो गया था कि मैंने ये सोचा कि मुझे ये सब जानना है, मेरे पे पैसे आ गए थे. मैंने कहा अगर पैसे आ गए हैं और साइंस मुझे कुछ बता सकती है माइंड कैसे क्यों नहीं, कैसे बिहेवियर देखते हैं, क्यों नहीं आओ पता करते हैं क्या है. अगर 35,000 ही होते तो राइट इस बात को भी मैं कन्फर्म ना करता अपने आप से. लेकिन ये भी इवॉल्व्ड है कि आप अपनी जो भी चैलेंजेस हैं सोच के या दुनिया को देखने के तरीके के उसके बारे में मुखर होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं करते, नहीं करना चाहते, एक टैबू रहता है. हाँ जी, कि थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं ये भी एक हाँ मैं तो इसलिए शो में भी बोलता ही हूँ, मतलब आई डोंट थिंक इट कुड बी अ मतलब टैबू नहीं हो सकता ये किसी भी चीज़ का. इट्स लाइक फिजियोथेरेपी, मेरी कमर में दर्द है भाई, मेरे डॉक्टर से दबा लिया मैंने कि भाई कमर ठीक कर दो, ऐसे मेरा दिमाग ठीक कर दो, इसमें क्या. बट लोगों को वही है ना कि लोग पागल बोलने लगते हैं अब, क्या पागल हो. अब इसमें भी लेकिन एक चीज़ है, कल्चरल डिफरेंस आई थिंक, दिस इज ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा. जो बात मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं आज क्योंकि हम दोनों एक इंडस्ट्री के ठीक ठाक से पार्ट हैं, राइट, रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ से, और दो अब एक अच्छी सी छत पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं. यही सेम अभी मेरी छत पे चलते हैं मेरे गाँव में, और वहां जाके मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे मैं डॉक्टर के पास गया मेरा दिमाग ठीक कर दूँ, मेरी मम्मी कह देगी कि दिमाग कैसे खराब हो गया तुम, देखो शादी नहीं होगी ये सब नहीं बोला करते. तो वो डिफरेंस है. अब मैं उन्हें हो भी सकता है मेरी माँ अब ना बोले, पर आज से 10 साल पहले तो 100% बोलती माँ. तो अब ये उन्हें समझाने बैठ जाऊं मैं तो कि मन नहीं लग रहा है जो आपने स्कूल में. हाँ, अब मैं उन्हें समझाने नहीं बैठ सकता बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, राइट. उनके बहुत सारे बिहेवियर्स अगर वो थेरेपी में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा, बट दे विल नेवर एनालाइज इट बिकॉज दे हैव लिव्ड द लाइफ अकॉर्डिंग टू देम, दे आर लिविंग द बोनस पार्ट ऑफ इट. अब पापा खुद बोलते हैं मेरे कि मेरा तो बोनस चल रहा है. तो अब नहीं होना ठीक वीक ना ना उन्हें बातें सुननी क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के हार्डेस्ट टाइम ऐसे निकाल दिए. तो उन्हें लगता है और वो है भी भाई, उनका वो माइंड उनका बहुत स्ट्रांग है, तभी उन्होंने लोगों ने ऐसी सिचुएशन में ये सब निकाल दिया. बट दैट डजंट मीन दे आर ऑल राइट, एनीबडी इज. आपने हार्ड टाइम निकाल सकते हो बट हो सकता है कि भाई आप और तो मेरा बस वो क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है कि कैसे बेटर हो सकता है. इसी में भी मैं इसी चीज़ में आपको बताऊं जो आप बोल रहे हो, 2017 में जब गया था व्हेन आई वाज डूइंग नथिंग, तब नहीं बताया था मैंने भी किसी को कि मैं थेरेपी में गया. मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं क्यूरियोसिटी से जा रहा हूँ, मुझे जानना है. अब मैं परेशान हूँ तो मुझे ठीक करो. उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में ये भी आता था कि अगर मैंने बताया कि मैं थेरेपी में जा रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि कुछ करता तो है नहीं. अब ये बहाने और बना रहा है कि दिमाग मन नहीं लग रहा, पागल हो गया, कुछ करोगे नहीं तो मन लग कैसे लगेगा. ये तानों से भी मुझे डर था उस टाइम पे. तो ये थोड़े टाइम में बेटर हो गया है अब. तो आई थिंक एक बार आप थेरेपी ले लेते हो और एक्चुअली थेरेपी आप पे असर करने लगती है तो आप बता देते हो, तब आपको पता चल जाता है ना कि कुछ नहीं है इसमें. कोई भी इंसान लेगा तो उसे पता चले जाएगा कि कुछ नहीं है. इट्स रियली गुड एंड आई डोंट वॉन्ट एनीबडी टू Whosoever is with me, I don't want कि मेरी वजह से कोई भी इंसान सफ़र करे क्योंकि मैं अपना बैगेज लेके घूम रहा हूँ. अब ये मेरे पिछले 2-3-4 महीने के डिसीजंस हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा ठीक कर लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट कर चुका हूँ अपने साथ. कि कैसे, मतलब ऐसे कि जैसे ये वाली बात मुझे पता नहीं थी कि मैं ऐसे एम आई पीपल प्लीजर और नॉट, तो उस चक्कर में मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ मैं क्यों करता हूँ ऐसे. इस चक्कर में बहुत सारे जगहों पर जहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था मैंने बोला नहीं, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था वहाँ पे मैंने तारीफ कर दी. ऐसा कई बार हो गया ऐसा. अब इट वॉज नॉट बिकॉज मुझे उन्हें खुश करना है, इट्स बिकॉज आई एम जस्ट अवॉइडिंग द सिचुएशन. मुझे भागना है इस सिचुएशन में से क्योंकि मैंने मेरे साथ, मैं बहुत नॉन कलेशी आदमी हूँ. उसका रीज़न यही है कि एक तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कलेश हो. मैंने इतने झगड़े देखे अपने मम्मी पापा के कि मेरा मन ही नहीं है अब झगड़ा देखने का, करने का, सुनने का या बोलने, कुछ नहीं मन मेरा उसमें. फिर मैं ऐसी सिचुएशन में मैं चुप हूँ या फालतू बोल जा रहा हूँ, तो फिर वो ट्रिगर हो जा रही है चीज़ें, कुछ हो जाता है कभी कुछ कभी.
फिर लगता है कि यार ये कैसे हो गया, और आपको एक दो दिन बाद रियलाइज होता है कि क्यों हुआ होगा. वही सब मैं बस ठीक करने हैं, और मुझे टाइम लगेगा अभी, अभी नहीं. अगर मेरा माइंड बिल्कुल अच्छा है तो आई विल बी एबल टू राइट बेटर, चार काम और लिख लूँगा. डर नहीं लगेगा कि ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ये सब भी तो सब ठीक हो जाएगा ना. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब करूँ. लाइक आई हैव अ डिफिकल्टी इन डीलिंग विद लॉस. लॉस आई मीन आइदर माई लॉस और एनीबडी एल्सेस लॉस, लाइक पीपल डाइंग. ओके. और मैं उससे टर्न अवे करता हूँ. इवन लाइक इफ देयर इज अ फ्रेंड हुज लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर. एक बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं, उनकी पत्नी बहुत समय से उनको, शी वाज वेरी ब्रेवली हैंडलिंग कैंसर एंड देन शी पास्ड अवे. ओके. एंड आई मैं उनके घर नहीं गया. अच्छा, उनके बाद इंसिडेंट के बाद मैं नहीं गया, और वो बहुत नाराज़ थे. और मैं और एक डेढ़ साल तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा. और एक दिन मैंने ऐसे ही उनको मैसेज किया, उन्होंने मैसेज किया कि आई हैव नेवर सीन मोर सेल्फिश पर्सन देन यू. फिर मैं उनसे मिलने गया. फिर मैंने उनको बताया कि दिस इज़ अ चैलेंज, आई कांट डील विद लॉस. When my mother passed away, I didn't deal with it. I've not dealt with it. अभी तक. What do you, are you believing it? कि वो नहीं हुआ है? नहीं नहीं. तो. But I did not allow myself to grieve. मैंने. और वो जरूरी तो बहुत है. ऐसा मुझे लगता है पर्सनली. उसको ब्लैंक आउट कर दिया मैंने. उसको जबकि आपके पास ट्रिगर्स होते हैं, हर घंटे में ट्रिगर्स होते हैं. वो व्यक्ति यहाँ था, उसने ये कहा था, ये आपने अनुभव किया था. इट्स लाइक जब ब्रेकअप होता है या कोई भी जब लॉस होता है रिलेशनशिप. एंड एटलीस्ट आई मीन आई एम माइंडफुल ऑफ इट. मुझे पता है कि ये मैं जब थर्ड पर्सन की ओर सपने को देख रहा हूँ कि बॉस ये इशू है. इशू है दूसरे का भी. तुम लॉस भाई, जब किसी के परिवार में कोई गुजरता है, मैं ट्विटर पे तक ट्वीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई तुम कितने फर्जी हो. क्या बोलोगे तुम यार? क्या बोलो उनके दुख के हिसाब से? क्या बोलोगे? महसूस करता हूँ दुख, बहुत इंटरनलाइज कर लेता हूँ. But I am, and you know, if I go to someone's home for a prayer ceremony, I hide away. Not because I don't feel that pain, but because I feel that pain too much. Or it's strange. बहुत सारे लोगों के साथ है ये इशू एक्चुअली. पर आप टेंशन, मैं नंबर फॉरवर्ड करता हूँ आपको. आप भी सेशन लीजिए मस्त, और जानिए कि क्यों हो रहा है, कैसे जाएगा. क्योंकि पहले जानना है, फिर अपने आप के ऊपर करना है, बिकॉज कुछ भी रीज़न हो सकता है. हाँ. क्या जो लोग दूसरों को हंसाते हैं, उनमें से उस सब अंदर से खुश तो नहीं होते होंगे? क्या होते हैं? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. नहीं मतलब क्या लोगों को हंसा पाना एक इनेट सेंस ऑफ हैप्पीनेस से आता है? नहीं, मेरे लिए तो नहीं. मैं तो जब हंसाना शुरू किया तो मैं बहुत दुखी था. इट वॉज जस्ट लाइक मुझे उस 5 मिनट बहुत अच्छा लगता था. जो 5 मिनट में स्टेज पे था, आई वॉज एबल टू सी फ्रॉम स्टेज कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं. Because it's like ना, आप very different kind of job what we do, what sports persons do. क्योंकि आप डॉक्टर आपके इलाज कर देगा और आप ताली नहीं जाओगे. ये अभी कहीं डिस्कस कर रहे थे किसी, तो सीनियर बंदे ही ये बात मुझे बोल रहे थे.
जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ताली बजती हैं, जो हमारे लिए ताली बजती है, अरे वाह मजा आ गया, एक्टर्स के लिए ताली बजती हैं, जो आपका वो टैलेंट है उस वो देख के खुशी होती है। उस 5 मिनट में बहुत खुश होता था कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है, तो मैंने कर दिया, बट 5 मिनट खत्म होती ख़त्म हो गई। जहाँ जहाँ कर्टन बंद हुआ स्टेज का, हाँ आप अपनी लाइफ के साथ वापस आ गए हो, और आपकी लाइफ ज़रूरी नहीं है अच्छी लाइफ चल रही हो, बहुत बहुत ख़राब लाइफ, बहुत ख़राब दिनों में शोज़ किए मैंने। तो अंदर से खुश इंसान नहीं खुश कर रहा है, अंदर से खुशी मिलती है उस इंसान को खुश करके तो वो कर रहा है वो दुखी। तो ये वाला पॉइंट है, मुझे इतना लगता है। पर और जो आर्टिस्ट हैं स्टैंड अप के, सब इश्यूज तो सबके हैं सर, इश्यूज तो सबके ही हैं सबका, लेकिन कुछ का रीज़न अलग है हंसाने का। कुछ का रीज़न ये है कि वो फनी है और उन्हें किसी को हंसाने का कोई शौक नहीं है। इस इंडस्ट्री में पैसा है ये भी है कुछ का, कुछ का है कि उनकी जॉब से बेटर काम है, कुछ का ये है, कुछ का है कि उन्हें 1 रुपया मत दो, बस हंस के चले जाओ, वो मोमेंट दे दो, वो मोमेंट दे दो। कुछ को स्टेज से सिर्फ अपने लाइफ का हाई मिलता है, सारी इनसिक्योरिटी चली जाती है उसे, उसका वो हाई है कि इससे उतरते ही उसको लगता है कि मैं फिर उस दुनिया में आगे जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझे बस वो जाके मैं वापस से अपने आप को प्रूव करना है कि मेरी है। तो ऐसे हर तरह के लोग हैं। आपका आगे का रास्ता कैसा है? उबड़ खाबड़, मुझे तो पता नहीं अभी कहाँ जाऊँगा, कैसे क्या होगा ये, मतलब जब भी मैं कहीं किसी उस पर पहुँचता हूँ कि हाँ ये यहाँ तक ठीक था, फिर आगे का आ जाता है कुछ माइलस्टोन, अपने आप अचीव होके फिर थोड़ा कुछ नया आ जाता है, अगला बड़ा हो जाता है कुछ। तो मुझे लगता है कि मेरा आगे का रास्ता बहुत सेटिस्फाइंग रहने वाला है मेरे लिए, क्योंकि एक तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई मेंटल हेल्थ, तो आई विल बी सॉर्टेड उस तरीके से। दूसरा मेरे पास पैसे हैं तो मैं, मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं अगले दिन लंदन में होऊंगा, मैं कर सकता हूँ वो काम। जो लोग, मुझे वो बकवास बात लगती है पैसों से खुशियाँ नहीं आती, पैसों से खुशियाँ नहीं आती, लेकिन पैसों से खुशी तो आ जाती है। पैसों से वक्त नहीं बदल सकते, लम्हे बदले जा सकते हैं, और कई बार अपने लम्हे कई बार बदल लो तो वो वक्त ही बदल देता है, क्योंकि वक्त ही हो जाता है अल्टीमेटली। तो आपका प्लेस चेंज करने से कई बार आपका माइंड सॉर्ट होके आप सही डायरेक्शन में चलने लगते हो, बट एज अ पर्सन जैसा मैं हूँ, मुझे बहुत शौक है नई नई चीज़ें ट्राई करने का, जैसे आपको है, तो मेरा उस रास्ते में वो उबड़ खाबड़े दिखेगा, मुझे पता है मैं नुकसान भी करवाऊँगा अपना, एक दो बार तो पक्का करवाऊँगा, इतना अच्छा आदमी तो मैं नहीं हूँ कि मैं हर जगह सही दिमाग लगा लूँ। तो हो सकता है मैं लिरिसिस्ट बनने की कोशिश करूँ। अरे वाह, अगर मैं किसी काम आ सकूँ तो। अरे बिल्कुल आओगे आप, कैसी बात है, मुझे सच में थोड़ी लिखना आएगा दस बार दिखाऊंगा, 10 ड्राफ्ट भेजूंगा कि बताओ इसमें क्या करना है। तो वो करने का मन है मेरा, मेरा मूवी लिखने का मन है, मेरा वापस से ऐसी कोई कॉमेडी मूवी बनाने का मन है जो बहुत टाइम से बनी नहीं है। जैसे एक फेज़ आया था जब ढोल आई थी, धमाल आई थी, ऑल द बेस्ट आई थी, वो बिल्कुल ही ऐसी कॉमेडी कि आपको पता है कि इसने बहुत ही अजीब बात बोली पर हंसी क्यों आ रही समझ नहीं आ रहा है। तो ढोल में एक सीन था कि वो जैकेट उल्टी पहन के वो गिर गया, वो कह रहा है इसकी मुंडी उल्टी हो गई, उसकी वो घुमा रहे वो कह रहा है अरे रावण के खानदान वालों मेरी जैकेट उल्टी हो गई, ये पता नहीं देखो हंसी आती है मतलब पता नहीं क्या है ये सब। तो राजपाल यादव को वापस से उस कैरेक्टर में डालना है, मुझे देखना है संजय मिश्रा सर को वापस डालना है कि भाई करो ना वो जाके जो तुम खुद से कर देते हो पता नहीं क्या कर देते हो, या फिर घोसला घोसला टाइप वो वाला ह्यूमर मुझे वापस से क्रिएट करना है मूवीज़ में, जिसका कोई सर पैर नहीं होता लेकिन मज़ा बहुत आता है देख के। आप अंदर घुसते हो थिएटर में और बाहर कुछ नहीं लेके आते सिवाय हंसी के, कुछ नहीं लेके आते आप। वो करने की कोशिश करूँगा, अकेले नहीं कर पाऊँगा तो राइटर्स के साथ काम करूँगा, किसी ने पैसे नहीं लगाए तो पैसे भी लगाऊँगा। तो ये सब मेरे करना है, ये सब मुझे, बाकी और कुछ नहीं खास सोच रखा मैंने।